तो अब जो आगे सेशन वो आ गया है शेयरिंग का। मैं कल भी सुन रहा था, कल बाई चांस शेयरिंग के टाइम में हम आपके बीच में तो नहीं थे, लेकिन मैं सुन सारा प्रोग्राम रहा था, मैंने पूरा प्रोग्राम सुना कल भी। जबरदस्त शेयरिंग, जबरदस्त फीलिंग्स, और जो पूरा श्रेय जाता है वो जाता है योगराज शर्मा जी को। हिंदुस्तान में किसी जमाने में, किसी समय में योगराज जी को बहुत हल्के में लिया जाता था, ठीक है ना। लोग मेरे को ब्लेम भी करते थे, आप योगराज जी को ना कुछ ज्यादा ही भाव देते हो। तो दोस्तों, मुझे आज प्राउड है इस बात का कि योगराज जी को जो मैंने भाव दिया उसका मुझे 100/100 जो है ना, उसका वो क्या बोलते हैं उसको, जो होता नहीं अच्छे काम का अच्छा नतीजा, तो अच्छा नतीजा मिला है। एंड आई प्राउड ऑफ यू मिस्टर योगराज जी, एंड ही इज लाइक अ यंगर ब्रदर, एंड जो रिस्पेक्ट वो देते हैं एज ए ब्रदर की तरह, ये उसकी शक्ति है। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है ना दोस्तों, हम वो मिस्टर और मिस पे आ जाते हैं, मिस है ना, मैडम सर, हाँ ठीक है मैडम और सर रहना चाहिए पब्लिकली, बट जब आप इंडिविजुअली होते हो ना तो ब्रदर एंड सिस्टर होना चाहिए। जब मैं किसी को सिस्टर बोलता हूँ ना तो दैट मीन्स समथिंग स्पेशल, राइट। इफ समबडी सेज मी ब्रदर, दैट मीन्स लॉट फॉर मी, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, दैट इज द स्पिरिट। इस बिजनेस में आए हैं ना दोस्तों, ये बिजनेस यूज करने का बिजनेस नहीं है। कईयों को लगता है कि यार ये यूज करने का बिजनेस है, वो इसलिए खुद ही यूज हो जाते हैं, वो उनको लगता है यूज करने का बिजनेस, वो खुद यूज हो जाते हैं। और जो लोग इस काम को दिल से कर रहे हैं ना, वो मैं बताऊं, मैं आज दुनिया के बड़े बड़े नेटवर्कर को देखता हूँ, सुनता हूँ, जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, मैं ऐसे लोगों को सुनता हूँ। तो जो उनके अंदर भावना, जो स्प्रिट है ना, वो कहते हैं ना होनहार वीरवान के हो चिकने पात, है ना, कि वो ना वो जो पूत के पांव ना पालने में नजर आते हैं, वो शुरू से ही उनका नेचर इस तरीके का होता है कि वो ग्रोथ होनी होनी है। यकीन करना, हमको हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, आप सभी लोग, मैं भी अलग बैकग्राउंड से आया हूं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं ऐसे थोड़ी था, मैं भी नहीं था, मैं भी वैसे ही था जैसे होते हैं, है ना। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला क्या क्या चीज की जरूरत है, बिल्कुल। तो उस चीज को फॉलो करना शुरू किया, मिस्टेक हुई, गलतियां हुई, कईयों पे कुछ ज्यादा भरोसा कर लिया, है ना, कुछ ज्यादा ही कर लिया, हेल्प कर ली, कुछ ज्यादा ही कर ली, सामने वाले ने बोला भाई इनको जरूरत है ना इसलिए हेल्प कर रहा है ना। फिर हमने छोड़ के देख लिया तो भाग लिए, जब तक हेल्प कर रहे थे तो चल रहे थे, जब हेल्प करने छोड़ दी तो भाग लिए। तो ये भी पता लग गया कि भाई साहब मतलब के यार किसके खाए पिए और किसके, है ना, ये भी पता लगा, ऐसा भी होता है, तो कोई बात नहीं। फिर ये फिलोसफी पता चली कि आपके पास तो कोई ऐसा मीटर है नहीं, त्यानचीन ने ऐसा मशीन तो बनाई नहीं है जो इस चेक करके बता दे ये लंबा चलेगा, छोटा चलेगा, कितना चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, साथ देगा नहीं देगा। तो फिर क्या चला, यूनिवर्सल फार्मूला, कि आप अपना काम करते रहो, ठीक है, कुछ आपको तारीफ करेंगे, कुछ आपकी बुराइयां करेंगे, कुछ आपकी टांगे भी खींचेंगे, बट आपको खुश रहना है क्योंकि आपकी खुशी ही उनका इलाज है, ठीक है। तो अगली आवाज पहले सुनते हैं योगराज जी से, फिर देखते हैं आगे की तरफ जाएंगे, कहाँ जाते हैं वो पता लग जाएगा। फिलहाल देखते हैं, योगराज जी भी हमारे पैनल में अभी नजर नहीं आ रहे मुझे, तो योगराज जी से पहले जो है वनिता राज नजर आ रही है, जिन्होंने ताजा ताजा अंगड़ाइयां ली हैं हिमाचल की धरती से कि सर 100 गोल्ड तो हम यहीं से देंगे। आप सोचिए ये शक्ति पैदा हो गई है, कहते 100 तो हम देंगे सर हिमाचल से, पूरे हिंदुस्तान का सोचो आप क्या करना है, आपने यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ तो बस ऐसे आया करो 2-3 महीने में एक बार आके, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाथ रख के चला जाया करो, हाथ रख के आशीर्वाद देके चला जाए। सोचिए हमारा आशीर्वाद भी है और हमारा साथ भी है, कोई कमी नहीं है हर तरीके से, है ना। किसके साथ है, जो हमारे साथ है उसके साथ हर तरीके से खड़े हैं हम, तन से भी, मन से भी और धन से भी, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, है ना। ये तीनों की जरूरत है किसी भी काम में कामयाब होने के लिए। तन से काम नहीं चलता है, बातें करने से काम नहीं चलता है, भाई मिट्टी मिट्टी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भाई, बिजली का वो जो होटल में बिल आता है ना, वो ब्लेसिंग से काम नहीं चलता है, होटल वाला बोलता पैसे दे दो पहले, है ना। कुछ लोग एडवांस में लेते हैं, बोला पहले पैसे जमा करा दो जी, प्रोग्राम बाद में शुरू होगा। यकीन करना, अच्छे अच्छे होटल ना पहले ले लेते हैं, सब पेमेंट करा दो अब,
आज तो हो ही गया, टाइम आ गया आपका, और ये हमारे साथ नहीं है, सबके साथ करते हैं ऐसा, क्योंकि उनका तरीका है, उनको पता है, वो भुक्त भोगी है बेचारे। तो कहने का मतलब है कि हमें तन से भी जरूरत है, मन से भी जरूरत है, धन से भी जरूरत है, सबको, ठीक है। कहीं कंपनी हमें सपोर्ट कर रही है, किस लेवल पे, जब बड़े कन्वेंशन होती है, मीटिंग होते हैं, सेमिनार होते हैं, वो कंपनी करती है, राइट, एक टाइम में। बट एक टाइम में जब अभी जैसा अभी चल रहा है टाइम, तो अभी कैसा टाइम चल रहा है, अभी तो स्मार्ट वर्क का जमाना चल रहा है। अभी 3 अगस्त है, 3 अगस्त की आपकी तैयारी है, 3 अगस्त को हमारी सालगिरह है, 26वीं हमारी, मतलब त्यांश की, ठीक है ना, त्यांश भी हम ही है। तो कहने का मतलब यह कि 3 अगस्त की क्या तैयारी है आपकी, कितना खर्चा करोगे पार्टी में, कितने की पार्टी करने वाले हो आप, ठीक है ना, मैं बता दिया आपको। अब मुझे ना ट्रेनिंग में कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है, मुझे लगता है कि इससे फायदा होगा आपको। बोला सर अभी तो कमाया ही नहीं है, आप खर्च की बात कर रहे हो, हाँ जी खर्च ना पड़ता पहले, कमाने से पहले खर्चते हैं, पैसे लगते हैं, राइट। हाँ अगर आप देखो दाल रोटी खाना चाहते हो तो जैसे मर्जी काम कर लो, दाल रोटी बढ़िया आ जाएगी त्यांशी से, लेकिन अगर मौज लेनी है ना त्यांशी से, फिर कुछ करना पड़ेगा, तन से भी, मन से भी और धन से भी, राइट। वो जो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम बात अलग है, वो तो हो गया वन टाइम एडमिशन। जैसे आज मैं भी गया था अपने बेटे का एडमिशन कराने MBA के लिए, तो वो तो वन टाइम है, अब उसके बाद तो मैंने बोला हर महीने का चक्कर तो और भी रहेगा ना, हाँ वो भी रहेगा। तो मैं वही सोचा था मन से लोगों को कि देखिए आजकल आप बच्चों को नर्सरी में पढ़ाने भेज दो, नर्सरी में, KG में, पता लग जाएगा आपको, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, सॉरी अच्छे, अगर आपने बच्चे के स्कूल में डालना है तो कितना खर्चा है, आज कितनी फीस देनी पड़ती है बच्चे को, बच्चा कुछ नहीं करता जाके, ए फॉर एप्पल करके आता है, वो तो सरकारी स्कूल में भी ए फॉर एप्पल हो जाता था, लेकिन आप चाहते हो एक अच्छे स्कूल में आपने अपने बच्चे को डालना है, पढ़ाना है, तो क्या करते हैं आप। तो दोस्तों खर्चे हैं और बहाने से काम नहीं चलने वाला, खर्चा करना पड़ेगा। तो अगली जो आवाज़ है वनिता राज, तनु राज, तो पहले शुरुआत करेंगे योगराज जी से, क्योंकि योगराज जी के दर्शन हो गए हैं, राइट। तो अगली जो आवाज़ है वो योगराज जी से, बिल्कुल योगराज जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने एज ए ब्रदर की तरह, एज ए छोटे भाई की तरह रोल निभाया है जब से आप मेरे साथ जुड़े हैं, एंड आई एम रियली इमोशनली अटैच टू यू। और अभी आपने जो प्रोग्राम किया हिमाचल में, एक और मिसाल आपने खड़ी कर दी, और बैक टू बैक फायर, और मुझे पता है उन चंद लोगों में आप शामिल है जो हिंदुस्तान के अपकमिंग डायरेक्टर हैं, जेन्युइनली डायरेक्टर बनने वाले हैं, उन चंद लीडरों में नाम है आपका। आप सोचिए कितना बड़ा चमत्कार होने वाला है हिंदुस्तान में और हिमाचल में। तो अगली आवाज है योगराज जी की, स्वागत है सर आपका, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमेशा गाइड किया, सपोर्ट किया एज ए बिग ब्रदर, और आई ऑलवेज से जब भी मैं मीटिंग में होता हूँ कि ही इज माई एल्डर ब्रदर, मेरे सीनियर हैं, गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और वो प्यार भी मिला है। और हमेशा जो है जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ या अपने पेरेंट्स को देखता हूँ या जब मैं जो है मम्मी को देखता हूँ, माता जी को देखता हूँ, आपके भी, तो सिर्फ वो भी अक्सर कहते हैं और मेरे पेरेंट्स भी अक्सर कहते हैं कि हम अलग अलग माँ के पेट से पैदा हुए हैं, बट दो जिस्म एक जान, और ये ऊपर वाले की कृपा है, और वो उतना ही प्यार करते हैं, चाहे मेरे पेरेंट्स से, चाहे आंटी हैं, सभी इतना ही प्यार करते हैं, मिस करते हैं। सो आई ऑलवेज लव यू सर। और कईयों दिनों जब आपसे बात नहीं होती ना, एकदम से जैसे होता ना कि कुछ मिसिंग लगता है, और मैं अचानक कॉल करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं कुछ शेयर करना है, दिल की बात करनी है। सो ये आपने मुझे, मतलब जो है मैं ये कहूँगा कि वर्ड्स नहीं मिल रहे, मैं कैसे थैंक्स करूँ, बट आई ऑलवेज थैंकफुल टू यू, थैंक यू सर। और दूसरी बात, मैं जितने भी फ्रेंड्स पैनल पे हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगराज शर्मा, आई बिलोंग टू हिमाचल, और 9 साल की जर्नी है, और जैसे अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को गलत फहमीज हो जाती है, अहम और बहम एक ऐसी चीज है, अहम जब हमें ये लगता है कि मैं ही मैं हूँ, और बहम जब आप किसी चीज को जो है उस नज़र से देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं, तो अवश्य बात है कि हमेशा इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे तो उसमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट कभी नहीं होता है। बट जो अभी सर ट्रेनिंग हो रही है, ग्रूमिंग हो रही है, IDNET उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे डेली खाना खाना इम्पोर्टेंट है,
और सांस से इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आज आईडीनेट सिस्टम है अगर हम टियांस में सक्सेस होना चाहते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग जो है हमने अपने आप को ग्रूम किया है, डेवलप किया है, और लास्ट 1.5 ईयर्स में जो ग्रूमिंग हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वो एक बेस बना है, एक फाउंडेशन तैयार हुई है अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, और कमिंग 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में जो हमारे टारगेट से गोल हैं उसके लिए ये जो फाउंडेशन है बहुत ही अहम रोल प्ले करेगी। और हम वो करेंगे जो कि हिस्टोरिक होगा और बहुत सारे लोगों के लिए शायद अभी वो समझना मुश्किल है या वो सोचना मुश्किल है, बट वी कैन थिंक अबाउट दिस एंड दैट कि कमिंग 5 ईयर्स में हम क्या करने वाले हैं। और जैसे आपने कहा कि अवर टारगेट इज क्रिस्टल क्लियर कि कमिंग 5 ईयर्स में वी क्रिएट 100 गोल्ड लाइन इन हिमाचल प्रदेश और अलग अलग रीजन में जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। बाद में मैंने काफी सारे फ्रेंड्स से बात की है और मैं एक ही चीज जानता हूँ, रिलेशन मस्ट है, रिलेशन फर्स्ट है, प्राइमरी है, और बिजनेस एंड अदर चीजें सभी सेकेंडरी है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि करंट पॉलिसीज को लेकर हमें हमेशा सजग रहना चाहिए ताकि हम उसको क्वालिफाई करें और लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए। जैसे मान लो एक ब्रिक्स है जो कि अभी हरा भरा है, अगर आप डेली उसमें एक लोटा पानी डालते हैं तो भी हरा भरा रहेगा, बट जब वो सूखने की कगार पे आ जाएगा उस समय अगर आप पूरा टैंकर भी वहां पे उड़ेल देंगे ना फिर भी सूख जाएगा। तो हमें देखना है कि क्या हम निरंतर उसमें वो जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारा काम है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी कैन। और जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सभी के लिए एक ही चीज कि आप गेट रेडी, हमारे जो टारगेट से उसमें आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है सबकी ग्रोथ, 100 सिटी 100 गोल्ड 100 एंडेवर जैसी कार। और अभी आपने एक स्मॉल रैली देखी थी बट विद इन 1.5 ईयर्स उसमें बहुत सारी कार्स जो उसमें एड ऑन होने वाली है, और ये रैली जब निकलेगी ना तो सब में टियांस के फ्लैग लगे होंगे, आईडी नेट के फ्लैग लगे होंगे, और सबके पास टॉप मोस्ट कार्स हैं, टॉप मॉडल्स हैं, तो वो सारी चीजें, वो जो पिक्चर है वो मैं विजुलाइज करता हूँ। पर उसके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि गेट रेडी। और अभी ये जो पॉलिसी है ये बहुत सारे लोगों को हम क्वालिफाई करवाएंगे, मोर देन, अभी मैं एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहा था जॉय नेकलेस की, हमने 325 जॉय नेकलेस क्वालिफाई किया है मार्च मंथ में, जो है 300+ जॉय नेकलेस जो अभी आए हैं। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि ब्रेसलेट भी हम विन करेंगे और सारे जो लीडर्स है आप अपने रीजन में बेस्ट कर रहे हैं। सो आप सभी के लिए बेस्ट विशेज, और बहुत जल्दी हम छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रोग्राम और अनाउंस करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहें, और अलग अलग जो है स्टेट और अलग अलग रीजन में भी। सो फाइनली आप सभी के लिए बेस्ट विशेज, और एक ही चीज कहना चाहूंगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया योगराज जी, आप अपने फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ बहुत आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़िए। बेस्ट विशेस टू यू, गो डायरेक्टर वेरी सून, बहुत सारे गोल्ड बनाने हैं, डायरेक्टर एसडी तो बन ही जाना है। अगली जो आवाज है वो है तनुराज जी। तनु जी सुपर, नई गाड़ी, हाउ इज द जोश? सर गुड मॉर्निंग टू ऑल तियांशी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार, आपने 8 स्टार, मैं बोलता हूँ अभी तो आप ब्रॉन्ज बने हो ना, वैसे तो 8 ही थे आप, आपने 8 स्टार बने में ही इतनी शानदार अचीवमेंट ली है, इतनी अच्छी इनकम कर रहे हो, इतनी अच्छी गाड़ी ले ली आपने, और आगे आप बोल रहे हो एंडीवर भी लूंगी, 5 लाख से ऊपर की इनकम भी लेनी है, और बाकी 100 गोल्ड का जो कट्ठे का ठेका है ना टीम वर्क वाला, उसमें भी आपने हाथ रख दिया आगे कि सर चिंता मत करो। सुपर, राइट सर, गुड मॉर्निंग अगेन। और सर बिल्कुल 2 दिन हमने आपको मिस किया सेशन में, और पैनल के थ्रू जब आपकी वॉइस नहीं आती है तो बिल्कुल सर बहुत अजीब लगता है, पर आज अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल 2 दिन के बाद हम आपको सुन रहे हैं। सो रियली सर आज का जो सेशन है सुपर डुपर, और बहुत अच्छी नॉलेज हमें मिली है, और जो कि टीम वर्क जो है, और बिल्कुल सर एक बूंद से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और हम सागर की तरह हिमाचल टीम एकजुट होके काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है उसी में ही पावर है, क्योंकि जब मैं एक दूसरे से और दिल में से मैंने कहा है कि हिमाचल जो टीम है और दिल से जुड़ी हुई है, और हम लोग
कभी भी मैंने आज तक अगर इस जब भी मैं त्यांशी में जुड़ी हूँ तो सिर्फ मुझे एक चीज समझ आया है कि यहाँ पर डू गुड हैव गुड करना है. जब हम दूसरों का भला करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जाता है. सो हमें नेटवर्किंग को कभी सोचा नहीं. हम लोग फर्स्ट डे से ही यहाँ दिल से जुड़े हैं और जब योगा सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने हमेशा मुझे एज अ सिस्टर एज अ बिल्कुल पैम्पर मुझे करके रखा था और बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने मुझे यहाँ ग्रोथ दिया है. तो बिल्कुल सर का भी बिल्कुल ये अचीवमेंट जो मेरी आज की है सर वो पूरा श्रेय जो है योगा सर के लिए जाता है और डिजर्व करते हैं. और बिल्कुल और योगा सर मैं बोलती हूँ कहीं भी दो राय नहीं है कि आप कोई भी उठ के बोले कि भाई उन्हें किस तरह का जो है ये मतलब आप बोल रहे थे कि अभी स्टार्टिंग में पैदल की उन लोगों को योगा सर को की मतलब तारीफ ज्यादा होती है या सर वो डिजर्व करते हैं हमारे लिए हमारे मेंटोर हमारे गुरु और एज ए बड़े ब्रदर की तरह उन्होंने हिमाचल टीम की ग्रोथ की है. और बिल्कुल सर और आपको भी सर वो क्रेडिट जाता है बिकॉज ऑफ जूम की वजह से और आज आईडीएस सिस्टम की वजह से जो हमें ग्रोथ मिली है तो बिल्कुल सर दिल से थैंक्स उसके लिए. और सर रियली बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है. आज थर्ड डे है तो आज हमने बहुत लॉन्ग हमने आज ट्रेवल किया है अपनी खुद की गाड़ी से तो बहुत ही अच्छी फीलिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा है. और बिल्कुल काम जो है दोबारा से हम लोगों ने जैसे अभी हमारा ब्रेक था जैसे हमने अचीवमेंट्स ली सक्सेस ली तो आफ्टर दैट हम फाइनली अपने जो है डेस्टिनेशंस पे पहुंच गए हैं. तो बिल्कुल सर अब स्टार्ट करा है काम और कर रहे हैं और कल से सर बिल्कुल मंदिर के दर्शन देन आफ्टर दैट फिर हम सारी चीजें यहाँ से करेंगे. एक दो मीटिंग हमारी रोड के अंदर है तो उसको हम डन करेंगे. सो बिल्कुल सर बहुत ही अच्छा और हिमाचल टीम का दिल से थैंक्स. और हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से दिल से जुड़े होकर काम करें और ये काम एक दूसरे की ग्रोथ से होगा और एक दूसरे से मिलकर होगा. और कभी भी ईगो लेके ना आए कभी भी आप इस तरह से ना सोचे कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है ये हम सबकी वजह से है और हम सब मिलकर एकजुट होकर इस काम की ग्रोथ लेंगे. सो बस सर फाइनल वर्ड्स यही कहूंगी बेटर त्यां सर बेटर लाइफ. आई लव त्यां आई लव आईडीएनएस सिस्टम आई एम डायमंड वी आर ऑल डायमंड. और सर हमारा मिशन है हिमाचल में 100 गोल्ड लाइन और 100 सिटी 100 रीजन में हम लोग इसको डेवलप करेंगे और 100 एंडेवर और डेफिनेटली होगी सर उससे उसमें एक गाड़ी मेरी एंडेवर होगी. सो बिल्कुल सर थैंक यू वेरी मच सर और थैंक्स अ लॉट सर. सुपर 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 आप ऑन द वे बिल्कुल ईश्वर का भगवान का देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए अपने कुल देवता का जो भी आप जिनको भी मानते हैं बिल्कुल वेरी गुड और बिल्कुल सबका आशीर्वाद चाहिए क्योंकि बड़ी यात्रा है लंबी यात्रा है. अगले 20 साल अगले 40 साल अगले 100 साल जब तक जिंदा हैं त्यांशी को आगे ले जाना है बहुत ऊपर जाना है बहुत बड़ी ताकत है. तो इतनी बड़ी सोच के साथ इस काम को अगर कर रहे हैं ना अगर आप तो आप कहाँ होंगे. मैं क्या आप उन लोगों से मिलिए ना नेटवर्क मार्केटिंग से लोग बिलियनियर बने बिलियनियर वन बिलियनियर वन बिलियन मतलब होते हैं 8,000 करोड़ रुपए के नेटवर्किंग से बने. सोचिए 100-200 करोड़ 500 करोड़ 1,000-2,000-5,000 करोड़ वाले पता कितने लोग हैं. तो आप सोचो कहाँ या क्या पोटेंशियल है नेटवर्किंग का. पड़ोसी ने बोला ये किन चक्कर में पड़े हो हमारे हम फ्यूज है ना लोग एक दूसरे को लड़ाई जा रहे हैं एक दूसरे की कमियां निकाली जा रही है एक दूसरे की बुराइयां किए जा रहे हैं और आप उनकी बातों में आगे. अरे लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे आपके आपको भटकाने के लिए. और मैं तो बोलता हूँ लोग तो करेंगे कि नहीं करेंगे ऊपर वाला जरूर करेगा आपके साथ ना क्या आपकी परीक्षा लेगा. यू डिजर्व फॉर योर सक्सेस और नॉट हर मुकाम पे हर कदम कदम पे आपकी परीक्षा होनी है. और वो कोई वाली बात है ना भगवान खुद थोड़ी आते हैं जैसे सपोर्ट करने के लिए लोग भेजते हैं ना भगवान ऐसी आपकी परीक्षा लेने के लिए भी लोग ही होते हैं. वो जो है ना हमारे आसपास में हमारी बुराइयां करते हैं हमारी कमियां निकालते हैं ये कौन है ये भी ईश्वर के बंदे हैं इसलिए भेज रखे हैं जाके चेक करो ये पाल नाम का व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं. मैं चेक तो करूं ये योगराज का पता तो करें ये तनुराज को जब आपको पंचर करते हैं ना लोग तो समझ लेना ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं वो भी वो कोई बाहर से थोड़ी है एलियन थोड़ी है जो हमें नेगेटिव करता है राइट. तो अगली आवाज पहले सुनते हैं बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे पास तो बट अगली आवाज सुनते हैं वनिता राज की जिन्होंने और जिनकी टीम ने मिलकर
तनु जी ने, योगराज जी ने मिलकर क्या माहौल बनाया है, इसको बोलते हैं रियल सबमिशन, रियल 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 हार्मोनियस एटमोस्फियर। वेलकम वनिता जी, अभी तो शुरुआत है, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सर, सुपर सर। और सर रियली मैं ये कह सकती हूँ सर कि बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट कहती हूँ मैं तो, कि ध्यान्स में जो हम काम कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब सर ऐसी ऐसी जगह हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमने, मैंने आज तक हिमाचल भी नहीं देखा था, जैसे मैम भी कहते हैं। सर आज हम फिर से मिशन पे निकल पड़े हैं, वैसे तो रोज ही हैं, और आज हम पहुंचे बिलासपुर से, थोड़ा पीछे शीला जी है हमारे साथ, वहां से काम कर रहे हैं। आज सुबह से शाम तक अभी तक सर हमने फुल डे वर्किंग किया है, और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम, एक से बढ़कर एक सर, और रियली सर बहुत मजा आ रहा है। और वही सर, गोल्ड लाइन खुद निकलना है, टीम में बहुत सारे 8 स्टार निकालने हैं, और सर जो मिशन है सर का उस पे काम हो रहा है, क्योंकि सर काम खुद के लिए नहीं हो रहा है, अपने लिए, टीम के लिए, जो त्यांस में आए हैं कुछ ना कुछ ड्रीम को लेकर, उन सभी के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि सर मेरा यही है, जैसे ऑलवेज योगराज सर कहते हैं कि दूसरों के लिए करेंगे तो खुद का खुद होना है, तो सर मैं रियली मैं विश्वास करती हूँ इन चीजों में, कि अगर मैं टीम की ग्रोथ करती हूँ, टीम के लिए काम कर रही हूँ, तो अपना तो खुद ब खुद होना है। सर मैं वही बात डेप्थ टू डेप्थ, कहाँ से कहाँ तक, आगे से आगे डायनामिक लीडर्स के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि जो लीडर्स ये कहता है मैम हमें करना है, मैं उनके लिए दिन रात खड़ी हूँ, और हम लगे हैं। सर हस्बैंड साथ है, आपने कहा था वनिता जी कितना कंट्रीब्यूशन है हेमराज जी का, तो सर बिल्कुल लगे हैं और डटे हैं और काम कर रहे हैं मिलकर सर, और बहुत ही अच्छा। सर मेरी आवाज आ रही है? शानदार शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, पता चल रहा है आप जो है बेस कैंप में जाके काम कर रहे हो, रूट में जाके काम कर रहे हो, उन लीडर के साथ मिलकर काम कर रहे हो जो लोग काम कर रहे हैं। भाई जो yes, काम कर रहे हैं उनके साथ काम करना है। लोग बोलते हैं सर हमें याद नहीं करते हो, मैं कहा जो काम कर रहे हैं ना उन्होंने इतना बिजी कर रखा, कैसे याद कर लें? जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो हमें याद कर रहा है, हम उसी को याद कर रहे हैं, बाकी तो भूल गए, है ना? अरे आप भूल गए हमें? बिल्कुल भूल गए, उस दिन तो याद थे कहते, जिस दिन हम जुड़े थे। मैं कहा बिल्कुल याद थे, जुड़े थे, अब काम नहीं करोगे तो भूल ही जाएंगे। एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा नैपकिन, कितना प्यार करते हो आप इस, देखो बीच में क्वेश्चन डाल दिया, कितना प्यार करते हो इस नैपकिन से, इसकी जो क्वालिटी है, जो ये प्रोडक्ट है, हर घर में चाहिए, हर महीने चाहिए। एक अकेला ये प्रोडक्ट है जो आपको करोड़ोंपति बना सकता है सर। वो महंगा है हमारा, ये लफड़ा है, रोने की आदत है। किसने बोला, किसने बोला? आप ये सोच लो यही है, इसी से जिंदगी बदल लो। टूथपेस्ट हर रोज हो रहा है, शैम्पू डेली यूज कर रहे हैं, साबुन डेली यूज कर रहे हैं, और बाकी डॉक्टर बोलता है विटामिन्स की कमी है, जब देखो गोली लिख के दे देता है, फीस अलग से लेता है ना, उसकी भी फीस लेता है, चेक करने के भी पैसे लेता है, और गोलियां लिखता है तो मल्टीविटामिन की, क्यों? डॉक्टर की भी समझ नहीं आ रहा है कि लफड़ा क्या है, और जब जिसका डॉक्टर को समझ आ गया लफड़ा, तो समझ लो बहुत बड़ा लफड़ा, जब डॉक्टर को समझ आ जाए लफड़ा, तो जिंदगी का बहुत बड़ा लफड़ा, फिर लाखों रुपए लगने, और भगवान ना करे पता नहीं क्या दिक्कत होनी है। तो इसलिए लफड़े में लफड़े ना हो तो मल्टीविटामिन भी खाओ, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम करो यार, मन में खुद आना चाहिए यार, क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बस यही काम करना है, और इसी काम को करने से अमीर हो सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन सी शुभ घड़ी, कौन सा साया निकालना है, डेट निकालनी है कि सर अभी सही टाइम नहीं आया है? कभी नहीं आने वाला टाइम सही, टाइम सही आता है काम करने से, लोगों से मिलने से, बातचीत करने से। यकीन करना आप, एंट्री जो है ना ब्रॉन्ज की सबसे बढ़िया होती है इस बिजनेस में। ब्रॉन्ज से डाल दो अंदर, जुड़ दो जुड़ दो जुड़ दो जुड़ दो, सामने वाला बोलता है अरे ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज कुछ नहीं, मैं तो सीधा प्लेटिनम बनूंगा, मैं तो सीधा गोल्ड करूंगा। अब रोक के देख लो उसको, अब रोक के देखो, नहीं नहीं तुम ना ब्रॉन्ज ही रहो अभी, ना मैं तो करूंगा। आप समझ रहे हो, ये बिजनेस का नेचर है। आप जो बंदा बेचारा बड़ी मुश्किल से ब्रॉन्ज नहीं किया जा रहा, उसके पीछे फंसे हुए गोल्ड करो गोल्ड करो गोल्ड करो, बोला भाई साहब खाने के लिए दाने नहीं है, तुम गोल्ड करने की बात कर रहे हो,
है ना, 10-15 हजार रुपए की बड़ी मुश्किल से आदमी कर सकता है, उसको आप गोल्ड गोल्ड कर रहे हो। और जो गोल्ड करेगा क्यों टेंशन लेते हो? मैं बताऊं, लोग शाने बहुत हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इशारा काफी है, ये फायदा है। सामने वाला को बोलो ब्रॉन्ज से करो, बोला नहीं मैं तो करूंगा गोल्ड से, क्या करोगे आप, रोक दोगे? तो ठीक है, ब्रॉन्ज तक तो आप बोल ही रहे थे, गोल्ड करेगा तो और अच्छी बात है, कोई प्लेटिनम कर ले और बढ़िया बात है। और आपने कईयों भाई पैनल में शेयरिंग भी सुनी होगी, कईयों ने एक झटके में 6 स्टार किया है, बता दूं आपको। अब लोग हाँ, अब कईयों बातें ऐसी होती ना यहाँ हो जाती है, लेकिन जिनका ध्यान यहाँ होता है ना प्रोग्राम में, उनको तो पता लग जाता है, और जिनका यहाँ ध्यान नहीं होता ना, वो बोलेंगे कब बोला था, कब हुआ था? अरे एक बार नहीं हुआ, कई बार हो गया भाई, ध्यान दो इधर प्रोग्राम में। ये आईडी नेट सिस्टम का प्रोग्राम है, और अभी तो ट्रेलर चल रहा है, जैसे हम बातें करते हैं ना, ट्रेलर है फिल्म का, असली मूवी तो बाकी है। वनिता जी, अब जिस दिन आप गोल्ड बनेंगे ना जी, मैं बता रहा हूँ आपको, थोटो ग्राउंड है ना सोलन का, थोटो ग्राउंड, वहां लगाएंगे टेंट बढ़िया वाला, और 1000 लोगों का करेंगे प्रोग्राम। और तो क्या होगा उसमें, गाजे बाजे ढोल नगाड़े, और एक वो नहीं आता है जो जब देवता आते हैं ना हमारे वहां हिमाचल में, या शादी होती है वहां, बजता है बड़ा लंबा सा होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, बस समझ गया आप। अभी पैनल में बैठे हुए लीडर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं वनिता राज का गोल्ड लाइन, एंड वो शुभ घड़ी बहुत नजदीक है। एक और न्यूज है सबके लिए, तो भाई आप भी करो कुछ, आप भी गोल्ड बनो फटाफट, ठीक है ना? तो हम तो एक का ही तो बता सकते हैं फिलहाल, अब और भी हैं। देखो तनुराज जी भाग रही हैं, कहते अच्छा वनिता जी का हो जाएगा, हम कैसे पीछे रह सकते हैं सर, ठीक है ना? तो हमने वनिता राज जी को इसलिए बनाया चैंपियन, ताकि थोड़ी सी आग तनु जी को लगे, कौन से वाली कंपटीशन की, लेकिन कितनी होनी चाहिए, आज की ट्रेनिंग में क्या बताया मैंने, कंपटीशन है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ हद है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद कॉपरेशन, अगर हमें बड़ा बनना है, आगे जाना है, हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके जा सकते हैं, हमेशा कंपटीशन की भावना में रहेंगे। आपका कंपटीशन किससे है? खुद से, आपसे, खुद से, यस। तो अभी कुछ बातें और भी हैं बढ़िया बढ़िया वाली, सुनिए वनिता राज जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरा गोल्ड आयन, और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रियली सर, और ये पॉसिबल है सर, और बहुत जल्दी मैं ये करके दिखाऊंगी, क्योंकि सर बिल्कुल सर, क्योंकि आपका ऑलवेज मेरे साथ आशीर्वाद है, और मेरे गॉड का और सर का और मेरी फैमिली का सर, मेरे पेरेंट्स का और गॉड का और मेरे हस्बैंड का साथ सर, तो ये 101% पॉसिबल है और बहुत जल्दी। और सर यही है कि तब तक मैंने पहले भी बोला है कि मैं जो कमिटमेंट करती हूँ खुद से भी और सर पैनल में रहकर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आगे रह के कह दिया जाता है हमें उस पे खरा उतरना है अपने लिए। तो सर वही बात, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा खुद से है, क्योंकि मेरे खुद के ड्रीम्स हैं, मेरे खुद के सपने हैं, मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, और अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशली, कि मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील हो कि हमारे बच्चे हमने लायक बना दिए हैं। तो सर रियली, और जबरदस्त प्लेटफॉर्म, मैं त्यांस का इतना थैंक्स करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म का, गॉड का, रियली सर आई फील कि मैं कहाँ हूँ आज, मैं इस तरह से अपने आप को फील करती हूँ कि रियली आज इस तरह की इनकम और इस तरह की लाइफ, जो ये कह सकते हैं कि इतनी VIP लाइफ सर, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, और 2 साल बेशक हमने बहुत स्ट्रगल किया है, बसों में सफर किया है, क्योंकि जिंदगी में जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे सक्सेस हाथ नहीं लगेगी। और आज मैं सिर्फ अब स्ट्रगल नहीं मैं कहती सर, मैं कह रही हूँ मैं इंजॉय कर रही हूँ, अपनी गाड़ी में घूम रही हूँ चारों साइड, नए नए एरियाज देख रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, और बहुत सी चीजें सोच समझने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए, एक से बढ़कर एक लोग और डायनामिक लीडर्स, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग, रियली सर अगर आज मैं ध्यान में नहीं होती तो ये कभी भी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता। हम घर की 4 दीवारी में थे सिर्फ, अपने घर तक सीमित थे, अपने पेरेंट्स तक, और आज मैं ये बोल सकती हूँ कि दुनिया के लोगों के जो भी हमारे साथ कनेक्ट है सर, सभी की ब्लेसिंग्स, और जो हमारा काम है सर ब्लेसिंग्स से और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, निखरता जा रहा है। तो रियली सर, और थैंक्स करना चाहूंगी मैं मेरे अपलाइनर्स का, सीनियर्स लीडर्स का, तनु मैम का ऑलवेज रिगार्ड, रिस्पेक्ट एंड थैंक्स, योगराज सर का दिल से थैंक्स है, और मैं आपका सर बिग 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 थैंक्स रियली सर। जूम जो हमारा वेबिनार है, आईडी नेट जो सिस्टम है,
इसकी जो पावर है मैं ये कह सकती हूँ इसके आगे सब फेल है, और सर ये जो पावर है इससे हमारा जो ग्रोथ हो रही है हम मेरी और मेरी टीम की, तो थैंक यू सो मच सर, और मेरी पूरी एंटायर टीम का ऑलवेज थैंक्स, मैं सभी का ही थैंक्स करना चाहूंगी पूरी एंटायर टीम का कि आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, और जो आगे रह के कहता है मैम काम करना है उनके लिए मैं दिन रात खड़ी हूँ, क्योंकि सर अगर मैं आज शीला जी की बात करूँ, शीला जी हमारे एक इस तरह के डायनामिक लीडर्स है जिनके पास मैं आज आई हूँ, इन्होंने कभी भी किसी को नहीं देखा था कि क्या डेमो है, क्या प्रोडक्ट है, क्या यहाँ पे काम है, इन्होंने अपनी खुद की गोल्ड से, हस्बैंड की गोल्ड से, बेटी की गोल्ड से आईडी लगाई थी, ये प्लेटिनम बने थे, और सर एक टाइम में आज मुझे जब लगा कि शीला जी इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, मैंने इनको आगे रह के खुद का मैं आपके पास आना चाहती हूँ, जब आप अकेले में आप में इतनी पावर है ना, जिस दिन वनीता आपके साथ आएगी उस दिन क्या हो सकता है, और सर आज सुपर से भी ऊपर जबरदस्त, बिल्कुल सर बिल्कुल, आज मैंने शीला जी को बोल दिया है कि मुझे नहीं पता एक महीना दो महीने बाद आप 7 स्टार होंगे, कैसे होंगे ये आप देख लेना, और सर मैं इनके साथ हूँ हमेशा, मैं पूरी टीम के साथ हूँ, पर स्पेशली मैं उन लोगों के साथ बहुत दिल से अटैच हूँ जिनके कुछ ड्रीम्स है, जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके लिए आगे रह के करने में तैयार मैं वो रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ, अब जिनके ड्रीम्स नहीं होंगे उनके साथ हम जबरदस्ती कभी भी नहीं कर सकते, तो सर थैंक यू मेरी टीम को ग्रूम करवाने के लिए, ऑलवेज सर का थैंक्स, योगराज सर का, आज मैं सोलन से बाहर जाती हूँ तो मुझे इतना रहता है सर से आंख बंद करके मैं ये बोल सकती हूँ, मुझे पीठ पीछे ये रहता है कि सर मेरी टीम को संभाल रहे हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सर, टीम तो सर की है मैम की है, पर जो भी मैंने थोड़ा बहुत मेरा भी कंट्रीब्यूशन अगर उसमें है तो सर उनको जब कॉल करते हैं मैसे ये बहुत बड़ी बात जाती है कि सर की कॉल आई थी तो मेरा दिल और बड़ा हो जाता है कि थैंक यू सर, अब और काम डबल होने वाला है तो थैंक यू सर जी, बिल्कुल सर, और सभी का ही थैंक्स, और इतना रिगार्ड है सभी का, इतनी रिस्पेक्ट है सर, मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं ऑलवेज हर एक सेकंड में सांस भी लेती हूँ तो मैं ऑलवेज थैंक्स करती हूँ त्यांस का, सीनियर्स लीडर्स का, और मेरे गॉड का कि आज मैं यहाँ हूँ, थैंक यू परमात्मा इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म देने के लिए, फाइनली वर्ड सर जो हमारे मैजिकल वर्ड्स है, रियली बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। शीला जी भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, शीला जी हैं और यहाँ पैनल में नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा, पैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है शीला जी, जिस तरीके से आपके बारे में तारीफ की गई है, सुपर सुपर, ये तो जोड़ी जो है ना हिट जाएगी आने वाले टाइम में, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू सर, जो आपने मेरे को इतना प्यार दिया और इतना विश्वास किया मेरे पर, सर मैं क्या बताऊं, मैं जहां से शुरू किया था वहां से मेरे को कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं और इसमें क्या क्या है आगे, मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने सीनियर लीडर का जो आज मेरे पास आए हैं, इन्होंने मेरे पास सब कुछ बताया कैसे करना है क्या करना है, और जो भी कोई बात होती थी तो मैं इनके साथ शेयर करती थी और इनको बताती थी कि मैम मैं कैसे करूं और कैसे कैसे मैं आगे चलूं, जब मैंने पहली बार डेमो देखा था तो मेरे को कोई पता नहीं था कि आगे इसमें और भी कोई चीज है और भी कुछ चीजें जुड़ी हुई है जिससे हम अपने जीवन को आगे अच्छा बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, तो मेरे लिए यही बहुत है सर जो आप आज मैडम मेरे साथ आए हैं, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और सर का भी जो मेरे साथ आए हुए हैं, और हम सुबह से निकले हुए अभी घर पहुंचे हैं, अभी 10-20 मिनट हुए हैं हमारे को पहुंचे हुए, और मैम ने सुबह से ब्रेकफास्ट किया हुआ और दिन का खाना भी नहीं खाया हुआ हमने सबने, और इस टाइम मीटिंग में बैठे हुए हैं, और सर और क्या बताऊं, मैं टैंसी से जब से जुड़ी हूँ तो मेरे को इसी के बारे में दिन रात सोच रहती है, और मैं कब जैसे कहाँ जाऊं और कैसे अपने वर्क को आगे बढ़ाऊं और कैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी दूं, और लोग कोई समझता है कोई नहीं समझता, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी एम नहीं है, जो समझे वो भी अच्छा, जो ना समझे वो भी अच्छा, क्योंकि जो समझेंगे वो अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे और जो नहीं समझेंगे वो आने वाले समय में रिजल्ट अपने आप देख लेंगे, तो सर मेरे को इतना विश्वास था इसके ऊपर, मैं खुद बीमार रहती थी और मेरे बहुत सारे गायनिक इशू थे जिसके बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे को महीने में 3-4 दिन बिस्तर पर ही सोना पड़ता था, जब से मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है एरिज का तब से मैं ठीक हूँ, और 3-4 महीनों से मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, जब भी मेरे को कोई
टाइम लगता है तो मैं अपने काम में जाती हूँ इधर उधर, और लोगों को बताती हूँ कि आप इस काम में जुड़े और अपनी लाइफ को चेंज करें। सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी अपलाइनर का, जो भी मेरे साथ जिन्होंने मेरे पास ये काम बताया और मेरे को इस पैनल पे जोड़ा, तो सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और गॉड का करती हूँ, अपने पेरेंट्स का करती हूँ जिन्होंने मेरे को इस लाइक बनाया और इस आईडीनेट सिस्टम से जुड़ने के लिए दुनिया को देखने और सुनने का मौका मिला और सबको जानने का मौका मिला और सबके प्यार को पाने का पाने के लिए इस पैनल पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत सारे ब्लेसिंग देते हैं, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो सर मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, खासकर आपका भी जो आप रोज जूम पे हमारे को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे मैं थोड़ी बहुत जानकारी लेके आज तक मैंने काम किया, और सबका धन्यवाद करती हूँ जो भी इस टाइम पैनल पे बैठे हुए। सर आपका तो बहुत ही धन्यवाद, और क्या बताऊँ सर, बेटर टैंस, ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही बोलती हूँ मैजिक वर्ड, बेटर टैंस, बेटर लाइफ, आई लव टैंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, I am diamond, we all are diamond, go gold line soon sir. Thank you sir, बात करने के लिए सर। इस बिजनेस में सुपर सुपर सुपर, इस बिजनेस में ये पहली परीक्षा है आपकी कि आप 100% सबमिशन में हो या नहीं हो। जब ये जो मैजिक वर्ड है ना, जब निकलते हैं, इसका मतलब आपके अंदर बॉडी में, माइंड में, साउल में, जो है ना आत्मा तक आपकी जो है ना ये जम चुकी है माहौल। बिकॉज सबमिशन जरूरी है जीवन में, कोई भी काम करो, कहते ना जीवन में या तो बन जाओ या बना लो किसी को। तो ये जब जो लीडर की भाषा बोलते हैं ना, पता लग जाता कौन सी भाषा बोल रहा है कौन। तो ये जब आप कामयाब लीडर की भाषा बोलना शुरू कर दिया, चमत्कार शुरू। और यकीन करना, मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत लोग ने हमारे साथ काम किया, और जब वो लोग बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया पाल जी का भूत आ गया, ठीक है। तो और कई लोग ऐसे भी हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, वो कहीं और हैं, लेकिन वो कहीं और भी राज कर रहे हैं, राज, पता क्यों। और जब वो हमें कहीं टकराते हैं या जब भी कभी कोई चर्चा होती है ना, तो जो सम्मान मिलता है वो अपनी जगह है, उसकी है, बात ही कुछ और है। हमें प्राउड फील होता है कि हमने अपना सही तरीका, मतलब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा ऐसी रही बनी हुई, सही नेचर को अपना के रखा हमने, और चीजें आज वर्कआउट कर रही हैं सबके लिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, इसलिए हम सबको चीजों को फॉलो करना है। अगली आवाज जो है वो जाएगी, कहाँ जाएगी, मोनिका जी की तरफ ले जाता हूँ। मोनिका जी, वेरी गुड वेरी गुड। मोनिका जी, वनीता जी, चलो मैं शेखर जी से पहले, फिर शेखर जी से आते हैं आपके पास, फिर और भी हैं, कौशल जी भी वेट कर रहे हैं ना। जी जी शेखर जी, शेखर बोला जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहूँगा बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी, और साथ ही साथ जैसे आपने जो मौका दिया, जैसे आपने बोला ना योगराज जी, ये सारी पावर आपसे ही है कि कहीं ना कहीं आपने इस सिस्टम को बनाया जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पावर आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर बारी मैं आता हूँ कुछ स्टोरी बताता हूँ और स्टोरी का कोई ना कोई थीम रहता है। तो अभी बस मैं सोच ही रहा था, एक स्टोरी समझ आई, लोगों को ये समझना है कि सक्सेस मिलेगी कैसे। तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है, तीन साइंटिस्ट थे और उनको पता चला, कहीं से भनक हुई कि कहते हैं ना कि एक गांव में एक शख्स है, एक बाबा है, और कहते हैं वो बाबा जब नाचता है ना तो बारिश होती है। तो अब कहते हैं जो साइंटिस्ट थे वो साइंस के बड़े नुमाने थे, कहते ऐसे कैसे हो सकता है, हम पूरा कहते ना सारा वेदर छाट के, हम पूरी दुनिया का सैटेलाइट घुमा के तब हम निकाल पाते थे कि भैया कैसे बारिश होगी। तो तब जाके हमें पता चलता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसा अनोखा चमत्कार, हम नहीं मान सकते। तो कहते ना साइंटिस्ट थे, एनालिसिस थे, कहते अब जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो चले गए गांव, वो जैसे ही गांव में गए वहां पे उन्होंने ढूंढना शुरू किया, कहते यहाँ पे हमने सुना है एक बाबा रहते हैं जो बारिश कराते हैं। तो जो गांव वाले थे वो कहते बिल्कुल सही सुना है, वो बाबा वहां रहते हैं, आप उनसे मिलना है तो वहां जाके मिल सकते हो। तो साइंटिस्ट तीनों जाके मिल लिए, वहां पहुंच गए बाबा जी के पास, बाबा जी को प्रणाम किया,
कि नमस्कार बाबा जी, हम साइंटिस्ट हैं और हमने सुना है आपके बारे में और काफी लोगों ने हमें यहाँ भी बताया कि आप डांस करते हैं तो बारिश आती है, ये कैसे होता है, कैसे कर लेते हैं ये? कहते मैं कुछ भी नहीं करता, कहते ये बस हो जाती है। कहते ऐसा कैसे हो सकता, कुछ तो करते होंगे, कुछ तो ऐसा आप चमत्कार करते होंगे कि बारिश होती होगी। कहते नहीं, मैं सिर्फ नाचता हूँ। कहते नाचने से बारिश थोड़ी होती है। अरे आप नाचोगे ना तो बारिश होगी। तो कहते साइंटिस्ट कहते हम कैसे मान ले। तो बाबा जी ने बोला ट्राई कर लो, कोशिश कर लो। तो अब साइंटिस्ट को बड़ा अचंभित लगा, यार हमें नाचना पड़ेगा और अगर बारिश आई नहीं आई क्या होगा। तो भैया शुरू हो गया खेल, पहला साइंटिस्ट नाचना शुरू किया। नाचते नाचते एक घंटे हो गए, दो घंटे हो गए, अब कहते ना पसीना निकल गया। कहते बारिश नहीं हुई। कहते बारिश नहीं हुई बाबा जी। अब मौका आया दूसरे साइंटिस्ट पे, दूसरा साइंटिस्ट भी नाचा, वो थोड़ा ज्यादा नाचा। कहते क्या पता हो जाए। तो दो की बजाय तीन घंटे नाचा, बारिश फिर भी नहीं हुई। अब दोनों को देख के तीसरा घबरा गया। तीसरा कहता यार मेरे को भी नाचना पड़ेगा, अब पता नहीं कितना नाचना पड़ेगा। तो तीसरा वाले भी नाचा, वो भी तीन घंटे उसने भी लगाए। उसके बाद थक मार के तीनों बैठ गए कि बाबा जी हमसे नहीं हो पा रहा है, आप कैसे कर लेते हो, हमें देखना है, अब तो हम देखना चाहते हैं कि आप बारिश कैसे करते हो। तो अब बात आई बाबा जी के ऊपर। अब बाबा जी ने नाचना शुरू किया। कहते नाचते नाचते एक घंटे बीत गए, दो घंटे हो गए, तीन घंटे हो गए, 12 घंटे बीत गए। कहते 24 घंटे बीत गए, कहते बारिश नहीं हुई। साइंटिस्ट बैठे हुए हैं कि बाबा जी बारिश नहीं हो रही। तो बाबा जी कहते अभी मैं रुका थोड़ी हूँ, नाच रहा हूं ना, अभी जब तक मैं नाचता रहूंगा तभी बारिश होगी। करते करते कहते 48 घंटे हो गए, लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ कि मौसम चेंज होने लग गया और थोड़े टाइम बाद वहां बारिश होनी शुरू हो गई। आप सोचो कम से कम 2 दिन बाद ये चीजें होने लगी। लेकिन जो 3 साइंटिस्ट बैठे हुए थे ना, वो फिर कंफ्यूज हो गए। कहते यार ये बात तो सच निकली कि बाबा नाचे और बारिश हुई। तो बाबा जी से ये पूछा गया कि बाबा जी ये बताओ ये बारिश हुई कैसे, नाचे तो हम भी थे, रेस में तो हम भी थे, हैं हमने भी पूरे पसीने निकाले थे, बट ये बारिश हमारी तो नहीं हुई, ये आपकी बारिश कैसे हुई। तो बाबा जी ने सिर्फ एक ही चीज बोला कि भाई साहब मेरे को क्लियर था। कहते अभी ना लोग मेरे को देखते हैं, जो जितने भी लोग हैं ना गांव वाले, मेरे को नाम से मैं फेमस क्यों, क्योंकि मैं नाचता हूं तो बारिश होती है। कहते अगर मैं रुक गया तो लोगों का वो टूट जाएगा और मैं क्लियर हूं, मैं नाचता रहूंगा ना, जब तक बारिश नहीं होती मैं तब तक नाचता रहता, जब बारिश होगी तभी मैं रुकता। तो ये मेरा एक राज था जो बताया गया। तो सक्सेस का भी यही राज है कि तो जब तक मिलती नहीं है तब तक करते रहो, जब तक नहीं मिलती। बहुत लोग आएंगे और चले जाते हैं, कहते हैं हमने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ सक्सेस के लिए नहीं नाच रहे थे, क्योंकि ये नाचने वाला काम है, यहाँ पे मौज मस्ती आप कर सकते हैं, ये ऐसा काम है, ये सीरियस काम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आप काम कर रहे हैं। सिर्फ नाचते नाचते भी अगर आपने काम कर लिया ना तो टीएंस में पैसों की बारिश होगी। तो सिंपली सर मैं इतना ही मैं सभी को कहना चाहूंगा। बाकी बहुत ही बढ़िया रहा हिमाचल का जो हमारा टूर था, जबरदस्त। बेस्ट ऑफ विशेस तनु जी को नई गाड़ी के लिए, ब्रांड न्यू कार जो उन्होंने ली, बहुत मजा आया। फिर हमने फोटो शूट किए, बहुत जबरदस्त। मतलब मेरे को पता अभी वो फोटो शूट हमने अभी डाले नहीं है, लेकिन अगर वो डालेंगे तो मैं कह रहा हूँ सब में आग लगेगी पॉजिटिव वाली। तो ये है, तो बिल्कुल है सर। सो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे मैजिकल वर्ड्स, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, गो गोल्ड लॉयन, सुपर सून। थैंक यू सर। सुपर शिखर जी ने जो आपको मैसेज दिया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यही चीज है, हमने कभी ये नहीं चेक किया कि हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे इस काम में, कभी चेक नहीं किया हमने, क्योंकि जब हम कामयाब नहीं हो रहे थे या नहीं थे तो बहुत सारी दुनिया को पता लग जाता ना, और खासतौर से अगल बगल वालों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, पड़ोसी को, घर वालों को पता लग जाता है। तो क्या होता है फिर, घर वाले बोलते हैं किन चक्कर में पड़े हो, है ना, इन चक्करों में पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अब जो इन चक्करों में पड़ गया, वाकई में वो साधु की तरह पड़ गया, तो बरसात तो होनी है। दिक्कत क्या है, बरसात आने से पहले ही
रोक दिया जाता है, भाई साहब बारिश तो आई नहीं, काहे को नाच रहे हो फालतू के बेवकूफ की तरह, है ना। तो लोग बोलते हैं पागल हो गए आप पागल। तो बस कामयाबी सिर्फ पागल लोगों को मिली है इस दुनिया में और किसी को नहीं मिली। और जब तक लोग आपको पागल नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उस काम को उस पागलपन के साथ नहीं कर रहे हो। आपको रिजल्ट आ रहे हैं तब भी कर रहे हो, नहीं आ रहे हैं तब भी कर रहे हो, टाइम लग गया तब भी कर रहे हो। भैया तो 3 घंटे में थक गए, 4 घंटे में, 2 घंटे में, वो 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 15 16 17 18 20 22 24 28 आप सोचिए 48 घंटे कहां 2 घंटे में लोगों की बस हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 20,000 रुपए की तनख्वाह चाहिए, 10,000 रुपए की तनख्वाह चाहिए, इजीली मिल जाएगी। यहां छोड़ दोगे नौकरी, दूसरी जगह लग जाएगी, दूसरी जगह छोड़ोगे तीसरी जगह लग जाएगी, क्यों, 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन 10-20 लाख रुपए अगर कमाने हैं ना, कैसे मिलेगी, ऐसे तो नहीं मिलेगी। 10-20 लाख रुपया महीना, हाँ जी, तभी मिलेगी। लंबा दिखना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, है ना। आज वनिता राज जी आपको जहां नजर आ रही है ना, इसकी वजह है। आपको बताता हूं मैं, एक मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अगर आपको गोल्ड लाइन बनना है ना, एक मंत्र फूकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा मंत्र फूकते हैं, 121 लोग बैठे हुए ना इनके लिए, कईयों सियाने आके चले गए ना, अब बेचारे को पता ही नहीं है क्या हुआ था, थे तो हम भी रात को, लेकिन हमें तो नहीं पता चला। हाँ, ये बाद वालों को पता चलता है ना। अब ये देखिए चार्ट, अगर आपको गोल्ड लाइन बनना है ना, 55 प्लेटिनम दूसरी लेग में, 55 प्लेटिनम तीसरी लेग में, 55 प्लेटिनम चौथी लेग में, कितना चाहिए, सिर्फ 220 लोग, टोटल 220। अब आप पहली लाइन में कहीं पे भी पैदा कर लो, कितने ही पैदा कर लो आप, मतलब टोटल सम ऑफ 55 प्लेटिनम का सम है, हो सकता है ब्रॉन्ज भी हो, सिल्वर भी हो, गोल्ड भी हो, उन सबको मिलाओगे तो ये और भी कम हो जाएगा आंकड़ा। लेकिन 55 मैंने बताया कि प्लेटिनम ही ढूंढने हैं, तो आपने क्या कुछ ज्यादा है क्या। गोल्ड लाइन बनने का मतलब पता है आपको क्या है, रॉयल्टी, जबरदस्त वाली, शानदार वाली रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं मिलती रॉयल्टी, आज तक मिली है क्या, 10 साल नौकरी करने के बाद, 20 साल नौकरी करने के बाद में किसी को मिली है रॉयल्टी, 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद मिली है किसी को, नहीं मिली ना। इतना का काम करना है वो भी नहीं कर रहा, कौन करेगा, मेरा अपलाइन करेगा सर, मेरी अपलाइन साथ नहीं दे रही सर, मैंने करना बहुत था, मेरी डाउनलाइन काम नहीं कर रही है सर, मेरी डाउनलाइन काम नहीं कर रही, एक और पैदा कर लो, वो नहीं कर रही फिर और पैदा कर लो, कब तक बाबा की तरह करते रहो। अगली आवाज मोनिका जी, मोनिका जी गोल्ड बनना है, मोटा मोटा फार्मूला आज फिर बता दिया मैंने, अचानक मेरे मन में आया, मैं कहा थोड़ा सा मंत्र एक फूकते हैं छोटे वाला। जी जी वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका भी, जबरदस्त। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बिल्कुल सर, डेफिनेट आपने बताया तो गोल्ड बनना है सर 2022 में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोनिका एचपी से हूँ और मैं यहाँ बात करूंगी सर आज की ट्रेनिंग की। तो जो आपने ट्रेनिंग दी है सर वो बहुत बेस्ट रही है, उसमें सीख जो मिली है कि अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, जब तक समिशन में काम ना हो, टीम के साथ काम ना हो, हमारी जो ग्रोथ है सर टीम से है, सिंगल एक पर्सन से नहीं होती, और सबके साथ टच में रहना होता है सर, खुद का नहीं सबसे पहले टीम का देखना होता है सर, तभी हमारी ग्रोथ है सर। और सेकंड सर मैं बात करूंगी सर की, जब आपने तारीफ करी योगराज सर की, क्योंकि हमने सबसे पहले सर को देखा है सर, और सर ने हमें बहुत ज्यादा कॉपरेट, बहुत ज्यादा यहाँ पे संभाला है सर। और आज जो जहाँ भी हम है, जिस रैंक पे है, योगराज सर की बदौलत है, क्योंकि जो श्रेय जाता है सर आप तक जाता है। आपने योगराज सर को आशीर्वाद दिया तो नीचे तन्नू मैम को मिला, तन्नू मैम ने हमें दिया तो हम पूरी टीम को देंगे सर। तो ये एक से नहीं होता है सर, सबकी दुआ है। और यहाँ पे आज मैंने रैंक चेंज किया है तो इसका श्रेय तन्नू मैम को जाता है, योगराज सर को जाता है सर ऑलवेज, क्योंकि तन्नू मैम ने बहुत ज्यादा सपोर्टिंग में वो मेरे रहते हैं,
और योगराज सर भी मेरी सपोर्टिंग में बहुत ज्यादा रहते हैं सर, क्योंकि जब वो आज टीम जब छोटी थी तो सबके टच में थे सर, तो हम उनको कभी भी बोलते नहीं है सर, क्योंकि उनके पास आज वो जब गोल्ड लॉइन बने हैं तो हम मान सकते हैं कि उनके पास कितनी बड़ी टीम होगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी सबकी सर। और हम भी 8 स्टार है, मुझे पता है सर आज मैं 8 स्टार हूँ, तो मेरी टीम में अराउंड 250 लोग है, जो मतलब मैं भी सबसे बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है सर। दिन में हम 10 लोगों से ज्यादा किसी से बात नहीं हो सकती है, तो यही है सर यहाँ से। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी गॉड का, पेरेंट्स का और फैमिली का सर, और जिनकी सपोर्टिंग से मैं आज यहाँ पहुंची हूँ सर, और तन्नू मैम का ऑलवेज थैंक्स सर, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा फर्स्ट डे से लेकर आज तक, और योगराज सर ने भी सर, और आपका आशीर्वाद और आपकी ब्लेसिंग सर ऑलवेज मुझे चाहिए सर, और आपके लिए तो सर थैंक्स है। और आज मैं थोड़ी सी शेखर सर के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहूंगी सर, जब भी वो मैसेज देते हैं ना सर, और वो मतलब स्टोरीज के थ्रू मैसेज देते हैं कि जब तक हम खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे तो तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी सर, और इसमें ये 101% है कि जब हम खुद नाचेंगे तब तक नाचेंगे जब तक बारिश नहीं होगी, और हमें यही मैसेज है कि जब तक हम यहाँ काम नहीं करेंगे, 1 साल के काम से कुछ नहीं होगा, 2 साल काम करने से कुछ नहीं होगा सर, कंटिन्यू हमें एंड ऑफ लाइफ जब तक हम चाहें तब तक हम यहाँ से काम कर सकते हैं, और हमारी ग्रोथ भी सर तभी है। तो लास्ट में ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, मेरा जो मिशन है फ्यूचर का अगर मैं बात करूँ तो सर मैंने यहाँ पे 2022 में गोल्ड लाइन बनना है सर, और एंडेवर लेनी है सर, वो डेफिनेट लेनी है, उससे पहले मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगी सर, ये भी मैं बोल देती हूँ, और मुझे लेनी तो 2022 में है और लेनी ही एंडेवर है सर, और 5 लाख की जो इनकम है सर वो भी मुझे लेनी है, और लास्ट में मैजिकल वर्ड्स है, बेटर त्यांस बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, और थैंक्स करना चाहूंगी लास्ट में सर पूरी मेरी इंटायर टीम के लिए कि सबका साथ रहे, सबका आशीर्वाद रहे, तभी सर पॉसिबल है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे आज मौका दिया। सुपर सुपर मोनिका जी, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपने लगा रखे हैं, तो ये आपकी निशानी है, यू आर सो कमिटेड टू द सिस्टम, और आप अचीवमेंट लेते जा रहे हैं, और हर लेवल पे आपने अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर लिए हैं, और ये आधा काम सर्टिफिकेट कर लेता है, आधा काम पोस्टर कर लेता है, लेकिन यूज़ करने वाला होना चाहिए, आधा काम इस पैनल में आके अपना जब आप चेहरा दिखाते हो ना वीडियो में वो करता है, आधा काम जब आप स्पीच देते हो तो वो करता है, बस अब ज्यादा क्या बोलें, समझदार के लिए इतना ही काफी। आपके लिए बेस्ट विशेष, 2022 में आप गोल्ड लाइन बने। अगली जो आवाज है वो है छत्तीसगढ़ के अपकमिंग गोल्ड लाइन सिद्धाई, 8 ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, भाई साहब सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट को लीड करना है, पूरा छत्तीसगढ़ खाली है, आईडी नेट और टियांस के झंडा वहां गड़ना है। वेलकम कौशलेंद्र साहब, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम हजारों मीटिंग्स करते हैं या सेशंस करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, उसके बाद भी नर्वसनेस रहती है, वैसे ही इस पैनल में भी कई बार शेयरिंग की है, लेकिन हर बार जब शेयरिंग की बात आती है तो एक हिचक सी, एक नर्वसनेस सी हमेशा रहती है, बटरफ्लाई, सो वो आज भी महसूस हो रही है। शुरुआत करूंगा सर आज के टॉपिक से, बहुत शानदार टॉपिक चुना गया, टीम। वाकई में टीम का फुल फॉर्म ही है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, सब जब साथ मिलके करेंगे तभी होगा, अकेले कुछ नहीं होगा। और अंग्रेजी में एक और कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वॉन्ट टू गो फार वॉक टूगेदर। यस, तो टीम का यही पावर है सर। थैंक यू वेरी मच, मैं अपनी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा, धीरेन्द्र जी का, कंचन जी का, हिमानी जी का, लाजवंती जी का, चंद्रकांता जी का, ललिता जी का, सीता जी का, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं मेरे,
जिनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज छत्तीसगढ़ में अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मैं अपनी टीम के अलावा और भी जो दूसरी टीम है उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। हर टीम में यूनिक लीडर्स हैं, हर लीडर अपने आप में यूनिक है, हर लीडर से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। कई बार मैं शेखर जी को देखता हूं, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। यंगस्टर से जब भी मैं मिलता हूं तो मैं उनके बारे में बताता हूं, उनकी वीडियोस दिखाता हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अभी मैं मोनिका जी को देख रहा था, सुन रहा था, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट उनकी मैं देखता हूं। जब भी बैठती है पैनल में, पीछे उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, और आज आपने भी पॉइंट आउट किया सर, ये लेवल ऑफ कमिटमेंट प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। और वो उन चंद लोगों में से हैं जो पेन पेपर लेके बैठते हैं, हर ट्रेनिंग को सीरियसली सुनते हैं, नोट करते हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो अमेजिंग ट्रेनिंग सर, थैंक यू वेरी मच। और टियांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप हर सपने को पूरा कर सकते हैं, इस बात का जो कॉन्फिडेंस है वो आप हमेशा दिलाते हैं। ली जिनयोन साहब ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जहां भी जाता हूं मैं यही लोगों को कहता हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा था, कितना प्यार करते हैं आप सैनिटरी पैड से। सर मैं कहता हूं, मैं इसके एक एक प्रोडक्ट से इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि आज अगर कोई मुझे एक शब्द भी कहता है तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। मैं उसको वापस मतलब ठोक बजा के फिर मैं सुनाता हूं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और टियांस इज इक्वल टू लव, टियांस इज लव, टियांस कहते ना इश्क की तरह है। और इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। इतना स्ट्रगल आपको करना है, अगर टॉप पे पहुंचना है तो स्ट्रगल जरूरी है, आग का दरिया है, यहां से पार होके जाना है। और जैसे कि मेरे गुरु, मेरे अपलाइन ने कहा कि अगर कामयाब होना है तो लग जाओ, जुट जाओ और जितना हो सके मेहनत करो। उन्होंने कहा घर छोड़ दो, घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा गाड़ी खरीदने का ख्वाब छोड़ दो इस साल, मैंने वो छोड़ दिया। जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दिया। यहां तक कि सर मैं आज अभी ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए हैं मैंने अपने फैमिली से दूर हूं, मैं छत्तीसगढ़ में हूं, फैमिली वहां पे है। मैं जब नौकरी करता था, 10 साल मैंने नौकरी करी, तब भी जब मैं बाहर रहता था अपने बच्चे को मैंने ढंग से बड़े होते हुए नहीं देखा है। ये जो अभी टियांस के जो टाइम पे जो 1-2 साल का जो स्ट्रगल है, जो सैक्रिफाइसेस है, मैंने देखा है, बहुत लोगों ने किया है। मोनिका जी को देखा, तनु जी को देखा, वनीता जी को देखा और प्रवीणा जी को देखा। बहुत सारी फीमेल्स स्ट्रगल करती हैं लाइफ में, अपने बच्चों को छोड़ के फील्ड पे जाती हैं। सर एक पिता होने के नाते मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत मिस करता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी वो स्ट्रगल फील होता है। एक सेक्रीफाइस है कि आप अपने बच्चों को छोड़ के कहीं और भटक रहे हैं, कहीं अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, कई कई दिनों तक उनका चेहरा नहीं देखा, उनसे बातचीत नहीं हुई। ये मेहनत रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी, और उसी दिन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ सर, क्योंकि मेरी डॉटर रो रही थी घर पे और वो चाह रही थी कि मैं वापस आऊं, लेकिन हिमानी जी ने साफ कह दिया कि बेटा डैडा इतनी जल्दी घर नहीं आएंगे, अब आप कुछ भी कर लो। तो उसने रोना बंद कर दिया। एंड शी अंडरस्टूड, मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो समझती है इस बात को। एंड शी हैज प्रॉमिस मी कि वो नहीं रोएगी और शी विल प्रे फॉर मी। तो बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है, यही तो परीक्षा है, परीक्षा परीक्षा फॉर हर। मैं जो भी कर रहा हूं उसके लिए कर रहा हूं, बिल्कुल। एंड लास्ट में सर, गोल्डन वर्ड्स, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, लेट्स गो गोल्ड लाइन सून, 100 सिटी 100 एंडेवर,
छत्तीसगढ़ की धरती से 100 गोल्ड कॉइन्स सर, माय प्रॉमिस इन नेक्स्ट 5 इयर्स। थैंक यू सो मच सर। सुपर सुपर सुपर, जबरदस्त तरीके से आपने एक अपनी मेजर शेयरिंग की आज। यस, बट कहते हैं ना, अगर आप देखिए, एक जीवन है जब हम नौकरी करते हैं, सुबह उठते हैं, बच्चे सोए होते हैं, नहाते धोते हैं, फटाफट काम पे निकल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं थके हारे, फिर खाया पिया, फिर सो गए, फिर सुबह, तो शायद वो संडे का एक दिन होता है जिस दिन हम थोड़ा फैमिली के साथ कुछ टाइम तक रह पाते हैं, और ऐसे करके हमारी लाइफ चल रही होती है। और एक नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे ही होता है कि हम इस तरीके से लाइफ को बिताते हैं, और होता यह है कि हम कंप्लीट ना तो मौज ले रहे होते हैं खुद, ना बच्चे, मतलब या तो या होता ना कि हम परिवार के साथ भी परमानेंट नहीं है, भाई हफ्ते में एक दिन है, महीने में 4 ही दिन है, 26 दिन नहीं है। और अगर ये बात 10 साल की बात करें तो 10 साल में देखो रेशो क्या रहेगा, 26-10-4 का। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक कहानी कहावत है ये कि अगर आप चाहते हो ना अपने परिवार के साथ आपको परमानेंट रहना है, तो इट मे बी कि कुछ समय आपको अपने परिवार से दूर भी रहना पड़े। और अपने परिवार से दूर रहकर, अगर कुछ समय तक अपने परिवार से दूर रहकर लॉन्ग टर्म में अपने परिवार के साथ परमानेंट रहा जा सकता है, तो इसे बढ़िया क्या। मैंने कहा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि मेरे शादी कोई लगभग 99 में हुई थी, अब 2021 22 साल के आसपास होने वाले हैं। एक सिंगल डे नहीं है जब मेरी वाइफ मेरे बिना रही हो या हम अलग रहे हों, एक्सेप्ट कोई इंटरनेशनल टूर, इधर उधर टूर में गया हूँ मैं उनको छोड़ के, कोई सिंगल डे नहीं है। मतलब अगर ससुराल गई है ना मेरी वाइफ, तो कभी ऐसा नहीं हो ससुराल में, चाहे हम 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, 7 दिन रुके, ऐसे ऐसे भी रहा है। कभी कभी मैं 10 दिन रहा हूँ ससुराल में मस्ती, आप समझ रहे हो, मतलब 5-7 दिन, 4-5-6 दिन से पहले तो मैं आता ही नहीं हूँ। आप सोचिए, जब भी जाएंगे पता है क्यों, नो प्रॉब्लम, कोई किसी को जाके हिसाब थोड़ी ड्यूटी देनी है ना, हाजिरी लगानी है, कोई पूछेगा क्यों नहीं आ रहे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सेल्फ मारा आराम से, बच्चे भी साथ में, बीबी भी साथ में, है ना, मजा आएगा कि नहीं आएगा। व्हाट इज लाइफ, दिस इज लाइफ, यू आर इंडिपेंडेंट, नोबडी इज योर बॉस, कोई आपको आपको किसी की रिपोर्टिंग नहीं करनी है आपको। ये जिंदगी में असली असली आजादी 1947 में नहीं आई है, बता दूं मैं आपको, अभी भी गुलामी चल रही है जिंदगी में। असली आजादी उस दिन है जिस दिन हम फाइनेंशियली फ्री होंगे, किसी और के आदमी के हम मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि वो कुछ देगा तो हमारी गड्डी चलेगी, हमारी गड्डी को हमने खुद ही चलाना है, दैट इज मस्ट, बिकॉज दिस इज माई लाइफ, माई लाइफ इज माई लाइफ, राइट। तो हमारे को ये करना है, यकीन करना। मैं आज मैं गाड़ी में था, अभी आ रहा था तो FM चलता है, उसमें वो मजाक चल रहा था कि क्या मजाक चल रहा था, यही चल रहा था कि सलमान खान का जो बॉडीगार्ड है ना, वो 2 करोड़ रुपए कमाता है, 2 करोड़ रुपए की सैलरी है उसकी, कितनी है, 2 करोड़ रुपए की। फिर एक दो नाम और गिना दिए उन्होंने, बताओ, फिर वो बैंक के लोग थे जो बोल रहे थे उसमें FM में, कहते बताओ हम यहाँ पर इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद बैंकिंग नौकरी में 40-50 हज़ार रुपए कमा रहे होंगे, 60 हज़ार कमा रहे होंगे, तो खुद मजे ले रहे थे कि कहते कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि शेरा हर आदमी नहीं बनने वाला है ना, सलमान खान भी हर आदमी नहीं मिलने वाला, हर आदमी को सलमान नहीं मिलने वाला है, हर आदमी शेरा नहीं बनने वाला है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी शेरा बन सकता है, उल्टा सलमान खान बन सकता है, बिल्कुल। ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की, जी सर। अपनी ब्रांडिंग करो, खुद को आप हीरो बनाओ, अपने बच्चों को हीरो बनाओ, अपनी घरवाली को हीरो बनाओ, हीरोइन बनाओ, कौन पूछ रहा है आपको, आपकी जिंदगी है, जैसी जीना चाहो वैसे जियो, मौज लो, रोज लो, और जब पैसे हो तो खोज भी लो, है ना। कहने का मतलब ये है, अगली आवाज है शारदा जी की, और फिर मैं दूंगा मुकेश सिंह चौहान जी को। शारदा जी, राजकुमार जी के बात ही कुछ और है, राजकुमार जी सिर्फ खड़े हो जाते हैं ना प्रोग्राम में, तो बल्ले बल्ले। गुड
और आपका तो आपका भी जवाब नहीं है, जो आपकी स्पीच है जब आप दिल से देते हो ना स्पीच, मैं बोलता हूँ सब घायल सब का काम कर देते हो आप कि भैया कुछ कर लो जीवन में करना है तो। और इस बार मैंने आपकी स्पीच सुनी, मजा आ गया। अगले एक दो दिन के अंदर आप लोगों की स्पीच जो है अपलोड होने वाली है तरीके के साथ में, तो मैं आपकी भाई कुछ तैयारी कर रहा हूँ आप सोलन वालों के लिए, ठीक है ना। अब आपको इनकैश करना है, कैसे होगा वो तरीके निकाले जा रहे हैं। और आप सबको पता होगा अभी कंपनी ने एक प्रमोशन भी निकाल रखी है, लगाओ अपना दिमाग कुछ करो, एक मिनट की वीडियो बनानी है, उसमें तीन कैटेगरी है, किसी कैटेगरी में घुस जाओ और उसके ऊपर भी हम कल देंगे, कल एक क्लास रखेंगे, कल मैं उसी पे क्लास रखने वाला हूँ कि एक मिनट में आप क्या क्या कर सकते हो, और हो सकता है इनाम भी मिल जाए। मैं बोलता हूँ इनाम मिले ना मिले कंपटीशन में जरूर आना चाहिए। आप फेल हो जाते हो जब कंपटीशन में नहीं आते हो ना, यू आर फेल बिफोर फाइटिंग, आपकी हार निश्चित हो गई। कभी हार नहीं मत मानो, फाइटिंग स्पिरिट रखो, इन्वॉल्वमेंट डालो अपना, तब चमत्कार होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से सभी लीडर अपना अपना एक मिनट का वीडियो भेजेंगे और तैयारी करनी है, और कल का जो टॉपिक है मेरा उसी के ऊपर ही है, क्योंकि आजकल मैंने ये वाला काम भी संभाल रखा है, ठीक है। तो मामला जो है ना एक्सपीरियंस का है, और एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है, और ये मेहनत का फल है, यकीन करना। सुबह से लेकर रात तक मुन्ना भाई MBBS लगे पड़े हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आने वाले टाइम में जबरदस्त काम होने वाला है, बल्ले बल्ले होने वाली है, बस ईमानदारी से काम करते रहिए। और अगली आवाज है शारदा जी की, वेलकम जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अपकमिंग एट स्टार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा था सर, और आप हमें इतनी अच्छी नॉलेज देते हो सर, और कौशल सर की शेयरिंग बहुत अच्छी थी सर। तो नेचुरली जब हम अपनी फैमिली से थोड़े दूर रहते हैं तो इमोशनल होना तो बनता है सर, थोड़ा सा हो जाता है, याद आती है अपनी फैमिली की जब थोड़ा दूर रहते हैं ना। तो सर मैं यही बोलूंगी कि कौशल सर में वो सारी काबिलियत है गोल्ड लाइन जाने तक की। तो मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो नेचुरली सर गोल्ड लाइन तो उनको बनना ही है सर। और शेयरिंग तो सभी की बहुत अच्छी होती है सर, हमारे योगराज सर गोल्ड लाइन की शेयरिंग भी बहुत अच्छी होती है, जिससे हम इंस्पायर होते हैं सर। और थैंक्स सर आपका हाइडिनेट सिस्टम का, जो हमें रोज आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हो, और जो सबमिशन में नहीं आता वो पीछे रह जाता है, और जो डेली सबमिशन में आता है और ट्रेनिंग सेशन लेता है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है अपनी टीम में, और डेमो देने भी बाहर जाते हैं, लोगों से तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, मतलब उनमें एक तरह की एनर्जी आ जाती है सर काम करने की जब सबमिशन में रहते हैं। पर ज्यादातर लोग नहीं आते हैं सर, कई बोलते हैं कि हमारा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ, पर मैं तो सबसे यही बोलती हूँ कि डेली आइए। चलो कभी कभार हो जाता है नहीं भी आते हैं, पर मैं तो डेली आती हूँ सर, क्योंकि ऐसी आदत बना ली है ना सर कि खाना भी अच्छा नहीं लगता जब तक मीटिंग में ना आए और सबसे ना मिले। अब फैमिली की तरह सब लोग है सर, और जब तन्नू मैम की पार्टी थी आप लोग सब आए सर, थैंक्स इसके लिए। और तन्नू मैम ब्रॉन्ज लाइन बने, गाड़ी ली, अब तो हर लेडीज की हमारी हिमाचल से यही इच्छा है कि हम भी गाड़ी लें और आगे बढ़े। सुपर अमेजिंग अमेजिंग बनना है। और वनिता मैम को सबसे पहले गोल्ड लाइन बनाना हमने सर, यस उस दिन की तैयारी तो हमारी अब सबका सपना एक ही है, वनिता के नाम का ठप्पा लगाओ जल्दी से जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, वनिता मैम तो बहुत मेहनती है सर, और देखो इतनी मेहनत करते हैं, और हम लोगों को भी हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं करना ही है शारदा जी, करना ही है, बस तो उनके सबमिशन में लगे हुए सर, और बढ़ रहे हैं जी, टीम भी आगे काम कर रही है, और जल्दी से 8 स्टार बनना है और गाड़ी भी लेनी है सर। सुपर, मैं अपनी डाउनलोड टीम की हमेशा धन्यवाद करूंगी अपनी टीम का, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं से स्टार हूँ, और सर दुबई का टूर भी उनकी वजह से क्वालिफाई करा। वनिता मैम का भी थैंक्स इसके लिए, योगराज सर का भी, तनु मैम का भी, सबका थैंक्स है सर, और आपका भी सर, और सबसे ज्यादा ली जिनियन सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और इतने अच्छे लोगों से मिलाया सर। अब जैसे हम पार्टी में मिल रहे थे तो ऐसे लग नहीं रहा था कि जैसे पैनल में मिले थे,
तो सबको पहचान लिया सर और सब गले लग गए, ऐसे जैसे कि बरसों से पहले जानते होता है। और इतनी अच्छी सर गाड़ियों की आप वीडियो बना रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे, तो ऐसे लगा था कि जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो सर हम। और इतनी अच्छी गाड़िया, चार गाड़िया लाइन में थी सर, बहुत मजा आ रहा था। और पार्टी हमने इतना एंजॉय करा, जिसने मिस करा ना इस पार्टियों को, इन पार्टियों को जो छोटे छोटे पल मिस कर देते हैं ना सर, तो वो नहीं जानते कि वो क्या मिस कर देते हैं सर। पर मेरा तो ये है कि हर पार्टी में एंजॉय, इतना मजा आया सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए पूरी फैमिली के साथ। धन्यवाद शेखर सर, सर इतनी अच्छी शेखर सर की स्पीच होती है जिससे एनर्जेटिक हो जाते हैं हम लोग भी। और इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की, और हमारे योगराज सर का तो हमेशा थैंक्स सर, वो सबको सपोर्ट करते हैं सर। तो बस इतना ही बोलूंगी, बेटर ट्यांस बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर 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 अल्टीमेट, जल्दी से आप 8 स्टार बनेंगी और फिर आपको भी गोल्ड लाइन बनना है हिमाचल प्रदेश से। ये वो लीडर हैं जिनके नाम के आगे गोल्ड लाइन ऑलरेडी लिखा जा चुका है, अब सिर्फ दुनिया को दिखाना बाकी है, दुनिया के सामने होना बाकी है। क्योंकि आपका जो डेडिकेशन है, आपकी जो कमिटमेंट है, जो आपकी ऑनेस्टी है, जिस तरीके से आप सिंसियर हैं, सबमिशन में हैं, यही बस यही रखना है। ये आपने रख दिया, यही आपकी टीम करेगी, हो गया काम। 55 55 55 55 टोटल मैक्सिमम। और ये 55 55 भी कम हो जाते हैं जब ब्रॉन्ज भी होगा, कोई सिल्वर होगा, कोई गोल्ड होगा, तो सोचिए आप। जबरदस्त जबरदस्त। और अगली आवाज जो है वह मुकेश सिंह चौहान जी, जो कि रेवाड़ी से हैं। जी मुकेश जी वेलकम, स्वागत है आपका भी। आज की जो ट्रेनिंग थी, आप पहले उसके बारे में बताएं, टियांस आईडीनेट सिस्टम, और फिर आपकी क्या फीलिंग है, गोल्ड कब तक जा रहे हो आप? स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी जबरदस्त, और आज के नहीं डेली ही प्रोग्राम बहुत ही अच्छे जबरदस्त होते हैं। बस यदि लोग कंटिन्यू लगातार अगर जूम पे आते रहे, अगर लगातार जूम पे आते रहे, तो मैं इतना जरूर बताता हूँ कि 100% वो कामयाब होंगे। बिजनेस कभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये ना सोचे कि बिजनेस कम निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है। बिजनेस निकलना ना निकलना एक अलग मैटर है, जूम पे आना एक अलग मैटर है। अगर आप लगातार जूम पे बराबर आते हैं, तो मैं ये इतना कहता हूँ कि आप त्यांस के प्रति समर्पित हैं, आप सिस्टम के प्रति समर्पित हैं। और यदि आप ये रोते रहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं निकल रहा है, तो आप जूम पे भी नहीं आ पाओगे, आप कहीं भी नहीं आ पाओगे, आप अस्त व्यस्त हो जाओगे। तो दोस्तों, अस्त व्यस्त ना होते हुए व्यस्त रहना जरूरी है। तो बहुत अच्छा सर, आज का नहीं, लगातार डेली हमेशा। तो रहा हमारा गोल्ड लाइन का, सर आपको बहुत ही अच्छी खबर देंगे, जल्दी खबर देंगे। अभी काफी अच्छा मोमेंटम टीम के अंदर आया हुआ है, टीम भी अच्छी सही काम कर रही है, नए खिलाड़ी अच्छे आ रहे हैं, जबरदस्त आ रहे हैं, नए नए अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर साथ में, बिजनेस पार्टनर अभी आ चुके हैं साथ में हमारे। जो कुछ पुराने कुछ इन्वेस्टर थे, कुछ नहीं भी कर पाए, कुछ कर पाए, वो भी कुछ चल रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी अपने डाउन से, जैसे आपको 8 स्टार 7 स्टार अभी जल्दी ही हम अच्छी खुशखबरी देंगे रेवाड़ी के अंदर, वही आपको अच्छा एक माहौल देंगे जो एक स्टार्ट के अंदर माहौल था, उससे भी ज्यादा अच्छा माहौल देंगे। तो आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सर। बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड्स, गो गोल्ड एंड सोल। थैंक यू सर, आई सैल्यूट सर। सुपर्ब सर, सुपर्ब, बेस्ट विशेस टू यू। आप गोल्डन कब बनेंगे, आज नहीं बताया, कल फिर बताइएगा, छोड़ने वाले नहीं। और मैं बताना चाहूंगा, कईयों सत्संग में यही बताया जाता है, हम तो टियांस के सिस्टम में जुड़े हुए हैं, आईडी नेट सिस्टम का क्या मतलब है? तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी अपलाइन को पूछिएगा, ये क्या चक्कर है जी, है ना, ये आईडी नेट क्या है? क्योंकि जो लोग सिस्टम को खुद फॉलो नहीं करते हैं, वो सिस्टम के बारे में भी डाउट कहीं ना कहीं पे लोगों के दिमाग में डालते हैं। सिस्टम का मतलब क्या है? आईडी नेट सिस्टम मीन्स
टीम वर्क का प्रदर्शन करने का एक प्लेटफॉर्म। कैसे पता चलेगा आप सबमिशन में हो, टीम वर्क में हो, मिलके काम कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? है ना, आप बोलो कि पाल सर आपकी हेल्प चाहिए, मैं बोलूंगा सिस्टम में हो, बोला नहीं है, तो भैया फिर तो अपने हिसाब से करो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे पूछना है, आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिस्टम में आपके जैसे और भी हैं जो कामयाब हो रहे हैं सिस्टम को फॉलो करके। तो जब वो रास्ता कामयाब है, उस रास्ते को आप फॉलो करोगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप इंडिविजुअल रास्ता बनाने की सोचोगे दोस्तों, या किसी और की बातों में आओगे, तो यकीन करना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये बहुत छोटी जिंदगी है, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। फिर मैंने बोला ना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम किस लिए आए हैं? टाइम फ्रीडम के लिए टीम चाहिए, मनी फ्रीडम के लिए टीम चाहिए, लाइफस्टाइल के लिए, इन दोनों से आता है जो भी आता है ना, माता रानी का आशीर्वाद, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तभी बना रहेगा। और यकीन करना, जैसे बहुत अच्छा लगा आज एक इमोशनल बात हमारे कौशल जी ने भी कही, कि यकीन करना दोस्तों कि हमने भी 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन, और अच्छे टाइम में, मैं आपकी बात तब की नहीं कर रहा हूँ, मैं जब स्ट्रगल कर रहे थे तब तो कर ही रहे थे जो कर रहे थे, लेकिन आज भी इतने कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, इस कमिटमेंट के साथ कहीं भी जाते आते हैं। कई बार हफ्ता हफ्ता दिन हम बाहर होते हैं, 10 दिन बाहर होते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, आपको पता नहीं चला, जो लॉकडाउन से पहले मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको पता होगा। और अब आप जब आगे आने वाले टाइम में देखेंगे आप, तो क्यों, कई बार ऑल इंडिया टूर होता है, यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वापिस कब आए जी, 16वें दिन में घर, राइट। बट क्या किया, एंजॉय किया भाई, वो भी तो परिवार ही है अपना, जहाँ गए वो भी परिवार है ना भाई। जब हम अपने घर में होते हैं तो उस परिवार से दूर होते हैं, और एक ऐसा परिवार है ये अपनी टीम जो है। अब मैं जैसे योगराज जी बोलते हैं सर छत्तीसगढ़ जाना है, मैं कहा जाएंगे के सर, वहाँ जाना है, जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि परिवार है, हर जगह परिवार है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये ली जिन्यो सर ने फिलोसफी बनाई थी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और उसी नीति के तहत आगे चल रहे हैं। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हम एक शानदार मिशन के साथ जिंदगी को आगे ले जा रहे हैं। तो अभी एक फाइनल आज के जो स्पीच है वो ले जाऊंगा मैं देख रहा हूँ लक्ष्मी, ये अपने रजनी जी और मीनाक्षी जी नजर आ रही है मेरे को जोड़ा, और जहाँ दो आदमी इकट्ठे नजर आ जाए ना, जैसे धीरेन्द्र जी और डॉक्टर कंचन जी बैठे हैं, फिर एक आदमी का तो फिर भी सोचा जा सकता है, दो को छोड़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। बट फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा एक शॉर्ट मैसेज में रजनी जी से चाहूंगा, और शॉर्ट मैसेज हमारे डायनामिक कपल डॉक्टर कंचन जी और धीरेन्द्र जी से भी लेंगे जाते जाते। वेलकम वेलकम रजनी जी, आप भी मुझे लगता है या तो मीनाक्षी जी आपके साथ हैं या आप मीनाक्षी जी के साथ हैं, दो में से एक बात तो पक्की है, कुछ तो है, कुछ तो राज है, वनिता राज की तरह। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय टियांशी फैमिली। और सर बहुत कहते हैं ना, आज मैं सर करनाल हूँ और मैं कल से ही करनाल में हूँ सर। और कहते हैं ना, जो अभी सर आपने बोला कि एक मिशन पे निकले हैं, तो नो डाउट एक फैमिली से दूर हैं पर दूसरी फैमिली के पास हैं। तो सर कल मॉर्निंग में मैं करनाल पहुंची थी, और कल के भी हमारे सेशन बहुत वंडरफुल गए थे, और आज भी हमारे सेशन बहुत वंडरफुल गए हैं। यहाँ पे सर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बहुत कितना बहुत अच्छा पानी भरा भी हुआ है, लेकिन जब ठान के निकली थी फरीदाबाद से कि जितनी मीटिंग्स करनी है उतनी मीटिंग्स करके ही जाऊंगी यहाँ से, और अभी 2-3 दिन का और प्लान है, यहीं रुकना है और मीनाक्षी जी के साथ लग के कहते ना एक स्ट्रॉन्ग टीम स्टैंड करनी है यहाँ पर। और बिल्कुल सर, जो अभी यहाँ सर आपने अपनी छोटी सी जो स्टोरी बताई थी कि मैम के साथ, और सर आप जैसे कभी मतलब नहीं अलग अलग रहे और हमेशा एक साथ में इतना लंबा समय आपने साथ में गुजारा है, सर बहुत अच्छा लगा सुन के। और सर इस चीज को मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मैं सर मेरा जो टियांशी में जैसे एक होता है ना क्यों वाई, तो सर मेरे वाई बहुत सारे थे क्यों करना है, क्योंकि एक वाई नहीं था, रॉयल्टी भी चाहिए और
अच्छी अर्निंग तो चाहिए ही चाहिए, अपने लिए नाम भी चाहिए, पर जो एक वाय जिसने कहते ना मजबूर कर दिया कि करना है सर, वो ये भी था कि मेरे हस्बैंड सर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और उनका सर टूरिंग जॉब बहुत ज्यादा है, मतलब 15 दिन बाहर रहना, 20 दिन बाहर रहना, तो बड़ा ही टफ सिचुएशन हो जाती है सर बच्चों के साथ अकेले मैनेज करना। तो बस एक सोचा था, और प्राइवेट जॉब में सर पता ही आपको कैसा होता है माहौल कि जूस ऑफ बॉडी, तो पैसा देते हैं नो डाउट, लेकिन आपकी बॉडी का जूस भी निकाल देते हैं बढ़िया से, और फैमिली की जो एक कहते ना सर एक जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो इतनी ज्यादा हो जाती हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, तो आप ना उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप उसको छोड़ करके एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और नहीं सोच पाते अपनी फैमिली को देखते हुए। तो सर एक मेरा वाय ये भी था कि मुझे कुछ करना है और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को आजाद करना है, अपने हस्बैंड को आजाद करना है ना। सुपर सुपर, क्या बात है, आज आपने नया मिशन दे दिया, हमारे फ्री होके काम कर सके। तो सर यही था कि वो एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकते, ये मुझे पता था, मुझे यही था कि मुझे अब स्टैंड होना है और इस लेवल तक जाना है जहाँ मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल फ्री माइंड से अपनी जॉब को स्किप करके वो टियांशी में आ सके और 100% पर हम दोनों मिलकर के इस टियांशी की जो एक लाइफ है, एक जर्नी है, इसको आगे बढ़ा सके। तो सर एक मेरा बहुत बड़ा वाय ये भी था, और डेफिनेटली सर कितने आज फैमिली से दूर हूँ, मेरे हस्बैंड अभी भी टूर पे गए हुए हैं, मैंने कहा आप टूर पे जाओ, मुझे करनाल छोड़ दो, मैं 4-5 दिन करनाल रहूंगी अपनी फैमिली के साथ, अपनी यहाँ जो करनाल में मेरी फैमिली है उनके साथ, और मैं यहाँ पे अपने टीम को ग्रो करूंगी। तो बिल्कुल है सर, काम कहते ना दिमाग में ना सर अब प्रियांशी के अलावा ना सर कुछ नहीं दिखता, सच में सर बाय हार्ट की कुछ नहीं दिखता, सिर्फ प्रियांशी दिखती है, और जितने भी पैनल में सभी लोग आते हैं, चाहे वो सुशील चिकारा मैम है या तनु मैम है या विनीता मैम है या प्रवीणा मैम है, सर यकीन मानिएगा रात में सपने भी उन्हीं के आते हैं और उनकी कार्स नजर आती है मुझे, और दुबई टूर तो अभी जब निकला था तो वही नजर आ रहा था। तो मतलब बहुत ही एक अच्छी फीलिंग के साथ इस मिशन पे निकले हैं, और डेफिनेटली सर काम तो करना है और लगातार करना है और रुकना नहीं है, अब नहीं रुकना सर, बहुत कहते ना अब तो बिल्कुल दिन में ठान लिया है कि जो कुछ चाहिए ना सर वो टियांशी से मिलेगा, मुझे फ्रीडम भी मिलेगी जिस चीज के लिए आई थी, मुझे रॉयल्टी भी मिलेगी, मुझे कार भी मिलेगी, और सब कुछ मिलेगा जो चाहिए वो सब टियांशी से मिलेगा, और मेहनत करने में सर कहते ना कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, 100% अपनी तरफ से मेहनत करेंगे जितनी हो सकती है सर। तो बिल्कुल है सर, और बाकी के सर मीनाक्षी जी की भी कुछ फीलिंग इस पैनल में। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सर सेकंड टाइम बात कर रही हूँ आपसे, फर्स्ट टाइम जब किया था पूरी रात नींद नहीं आई, ऐसा लगा था कि ये रह गया मुझे, ये रह गया मुझे, ये रह गया, बहुत सारा कुछ शेयर करना था, नींद नहीं आई सर पूरी रात, और जब से रजनी जी आई है तब से कल से पूरी मतलब लगे हैं, कल हम रात को 11 बजे एंटर हुए हैं तो बच्चे इतने अरे मम्मा सरप्राइज इतनी लेट हो गए, और आज हम 9 बजे आए हैं तो बच्चे बोल रहे हैं यार मम्मा इतनी जल्दी कैसे आ गए आप। वेरी गुड, बस 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 सर, कल हमने इतने डेमो किए ना, इतने और इतनी खुशी मिली थी कि आज हमने घर से निकल के कुछ अर्न किया और कुछ इतना अच्छा लगा कि लोगों से मिले हम लोग, मतलब मैं करनाल में ऐसी ऐसी जगहों पे गई जो मैंने 12 सालों के मुझे रहते हुए करनाल में कभी उन गलियों में नहीं गई, लेकिन मैं कल जब गई हूँ ना सर मुझे इतना अच्छा लगा और लोगों से मिलके लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, इतना अच्छा लगा सर कल से। और मैं ये कहूंगी कि सर पैनल में जितने भी लोग हैं ना, मतलब मैं कहती हूँ कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप जो मोटिवेट करते हो ना वो भी है कि दिल से बहुत बहुत एक दिल को छूती है सर बहुत सारी बात, क्योंकि आज हम बताती हूँ जब आज हम किसी घर गए तो उन्होंने क्या बोला कि ट्रेनिंग के लिए भी ना पेमेंट देनी पड़ती है 1000 रुपीज सर, तब मैंने कहा कि हमारे पैनल में आओ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो सुने कहने लगे बिल्कुल फ्री है, मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया सिंगल नहीं देना आपको, तो जो बिल्कुल छोटी वाली एज की थे 18 या 19 एज के थे, हमने शेखर जी की फोटो दिखाई उनको, देखो कि इतने इम्प्रेस हुए ना सर उनकी फोटो को देख के, क्योंकि जो होता है ना जो यंग को देख के यंग जनरेशन जो होती है ना वो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाती है कि देखो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो वहाँ बहुत सारी गर्ल्स बैठी थी तो सबने बोला कि नहीं हमने भी करना, वो हमारे पीछे लग गई
कि हमें भी ज्वाइन कराओ, हमें भी ज्वाइन कराओ, तो इतना अच्छा लगा ना कि को देख के फोटो से काम हो रहा है। देखो इसको बोलते हैं सिस्टम, इसको बोलते हैं सिस्टम भाई, इसी को बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम कोई अलग से थोड़ी है, कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है, घिसेंगे और जिन निकलेगा बोल आका मेरे क्या चाहिए, ऐसा थोड़ी है। सिस्टम का मतलब यही है। सुपर वेल डन, वेल डन। तो जी की सर हमने फोटो दिखाई, हमने जो बाहर सर गए हैं फॉरेन टूर दिखाया, हमने गाड़ी दिखाई, तो उनको इतना अच्छा लगा, अरे दीदी हम भी खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते, मेहनत चाहिए, तो कहते हैं हम जरूर करेंगे। तो इतना अच्छा लगा कि देख दुनिया या जो लोग हैं आपके साथ जुड़ने को तैयार है, आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, घर से तो निकलना ही पड़ेगा, ये तो है नहीं कोई आपके घर आ जाएगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। तो सर दिल से कहूंगी बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत मतलब सपने में भी सेशन कर रहे हैं, रात को क्या हो, जब रात को 11 बजे आए हैं वहां से, तो सपने में भी मतलब क्या सेशन कर रहे हैं हम लोग होता है पता नहीं, फीलिंग कितनी अच्छी आ रही है ना, और बच्चों को भी लग रहा है अरे मम्मा कितना कुछ हुआ आज, कितनी ज्वाइनिंग आई, मतलब बच्चों को हमसे ज्यादा क्रेज हो रहा है सच में। तो दिल से है सर बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पूरी टीम के साथ काम करके, लोगों को देख के जो हमारी टीम में है सर, इतने सारे लोग जो मोटिवेट करते हैं, आप तो करते ही हो, शेखर सर हैं, रजनी मैम स्पेशल मेरे लिए आई है, देखो इतनी दूर से। मैं कहती हूँ जब भी आप टीम में रहकर काम करो ना, देखो आपका आप सीनियर आपके साथ खड़ा है, तो आप पीछे हट ही नहीं सकते सर, बस टीम वर्क। तो बिल्कुल है सर, और कहते ना बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और डेफिनेटली एक अच्छी खुशखबरी के साथ ही वापस आऊंगी, और जल्दी आना होगा, और बहुत खुशखबरी के साथ ही आऊंगी यहाँ से। और डेफिनेटली सर जो योगराज सर ने एक मिशन बनाया है हिमाचल के लिए भी और अदर सिटीज के लिए भी, तो डेफिनेटली हम भी उस मिशन में शामिल हैं, और डेफिनेटली सर अलग अलग सिटीज में जाकर के काम करना है। मीनाक्षी जी बनेंगी करनाल से गोल्ड लाइन, आप बनोगे फिजाबाद से गोल्ड लाइन, और अभी जो है प्रसादा बांट लेना, क्या पता मेरी लक्ष्मी बैठी हो, माँ सरस्वती बैठी होंगी, और ये तथास्तु 2022 से पहले, 2022 से पहले मीनाक्षी जी आपको गोल्ड लाइन बनाना है करनाल से। थैंक यू सर बिल्कुल सर, हम मेहनत पूरी करेंगे और डेफिनेटली, और आगे की भी और भी बहुत सारी प्लानिंग की है मैंने यहाँ पे आके, बहुत कुछ पेपर पे प्रॉपर प्लानिंग करके काम कर रहे हैं, ऐसे हवा में काम नहीं कर रहे हैं कि बस करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और बिल्कुल सर आपको कितना अब नहीं छोड़ना, अब तो करके ही दिखाना है, ठान लिया है, माना नहीं है, ठान लिया है, और डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो लास्ट में सर अपने वही मैजिक वर्ड, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडियल सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, एंड गो गोल्ड लाइन सून। किसी को भी मौका दे दो इस पैनल में, अपने आप में सभी खास बनते जाने डे बाय डे, दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। कहते जिसको टच करो उसी में जादू है। अगली जो आवाज है वह है हमारे सम्माननीय नेता लीडर्स एंड अवर रिस्पेक्टफुल गेस्ट आज के, एक बार फिर धीरेन्द्र जी और कंचन जी, आपकी स्पीच सुनने के लिए लोग बड़े आतुर रहते हैं, कहते हैं उनकी स्पीच में बड़ा जादू है, शब्दों में जादू है, पर्सनैलिटी में जादू है। आप सोचिए कुछ लोग कहते हैं ना जहाँ जाते हैं ना वो वहां सबको अपना बना देते हैं, और कुछ लोग जहाँ जाते हैं ना लोग वहां से भाग जाते हैं। तो सुपर आपके लिए जो कॉम्प्लीमेंट है पहले वाला है, इसका मतलब आप बहुत ही फ्रेंडली नेचर है आपका, और बहुत जल्दी आप लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। सुपर वेलकम सर, वेलकम बोथ ऑफ यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड गुड मॉर्निंग पाल सर, वेलकम वेलकम चेंज कि आप पैनल में आए, और पहले मैं आज की लर्निंग पे जाऊंगा कि आईडी नेट क्या है। आईडी नेट ही टीम है, और आईडी नेट ही टीम वर्क है। यू आर योर ओन बॉस, सुना तो बहुत लोगों से कि आप बॉस हैं, आप जब आप नई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं आप ही बॉस हो, लेकिन वो चंद घंटों में पता लग जाता है कि होगी फॉर्मेलिटीज, बॉस वही है जो अभी चेयर पे बैठा है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, आपको बता रहा है मैंने ये किया था, ये करते करते मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। और यहाँ ऐसे बॉस हैं जिनको 18 साल लगे वहां पे पहुंचने में, और वो दूसरों के लिए सिस्टम बना रहे हैं जो 9 साल में पहुंच जाए, 9 साल जिनको लगे वो सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि 4 साल में पहुंच जाए, जो 4 साल में पहुंच रहे हैं वो बोल रहे हैं हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आप 2 साल में पहुंच जाए, जो 2 साल में पहुंच रहे हैं वो बोल रहे हैं हम 1 साल में आपको बना देंगे। क्योंकि यहां कोई खुद को नहीं बनाने में लगा हुआ है, उसको समझ में आ गई बात कि आप रियल बॉस हैं अपने। और आज की लर्निंग पे मैं
खासकर मैंने ध्यान दिया, कुछ पॉइंट्स लिखे, तो वी हैव टू वर्क इन अ टीम कई बार सुना है, बट एक्चुअली वी हैव टू वर्क इन टीम। रियल में ही आप अगर आपको आगे बढ़ना है, जो मैंने आपने कुछ दिन पहले सेशन लिया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की थी, वो भी टीम वर्क ही था कि 10 लाख रुपए लोगे या 1 रुपया मैं देते जा रहा हूँ कंपाउंडिंग, तो वो जो अमाउंट था मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि 30 दिन में वो 53,68,70,912 रुपए हो जाता है, जो हम लाइफ टाइम में नहीं सोचते। तो ये भी टीम वर्क का ही मजा है, और ये टीम वर्क का ही मजा है कि इस वक्त भी कई लोग हमें अभी बोलने लगे क्या हो गया है, चाहे कोई भी वक्त होता है गुड मॉर्निंग ही बोल रहे होते हैं, तो बोलते हैं अभी गुड आफ्टरनून है। लेकिन यही पावर है इस आईडीनेट सिस्टम की। और योगराज जी ने एक बात कही थी अहम और वहम वाली, तो अगर अहम और वहम में रहना है जो अभी तक रहते आए थे तो लॉस ही होना है, तो अहम और वहम से बाहर निकलिए, 100% सबमिशन में रहिए। जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उन्होंने ऑलरेडी किया है, और उन्होंने आपके लिए रोड मैप, जैसे आप कहते हैं हमेशा कि हमारे टाइम में तो हाईवे ही नहीं था, हम तो 32 लाइन 64 लाइन बना रहे हैं, तो फिर तो गाड़ी तेज रहती से चलनी है, सिर्फ आपको फॉलो करना है। और बाकी मैं चाहूंगा कि मैडम ही बोले, क्योंकि जब मैडम बोल देती हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि मजा मुझे तब आता है जब मैडम आगे से बल्लेबाजी करती हैं। तो ओवर टू डॉक्टर कंचन सिंह। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एंटायर टीम फैमिली, आईडीनेट सिस्टम के पूरे परिवार को हमारा नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। और आज का सेशन टीम वर्क पर था, बट बैठे बैठे कहते हैं ना लर्निंग होती है, तो मैंने भी सुना सारा, और टीम वर्क पे सारे कोई बोल रहे थे, तो टीम वर्क का मैसेज जो मैंने ड्रॉ किया वो बोलना चाहेंगे। सो जब मार्केटिंग की जब MBA कर रहे थे, तो MBA के 2 साल तक हमें एक ही चीज बार बार रटाया जाता था कि किसी भी बिजनेस का सक्सेसफुल होना 4 पहलू पे होता है, या 4 कह लो पिलर्स पे होता है। सो 4 P's कहते हैं हम उसको। 4 P's मतलब पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्रोमोशन, एंड फोर्थ होता है पीपल। प्रोडक्ट अगर टियांस को, तो मैंने रिलेट करा जब ये पूरी चीज चल रही थी, सर आपने दिया और सब ने जब अपनी शेयरिंग करी, प्रोडक्ट हम पहले कहते हैं वर्ल्ड के बेस्ट, एरीज कह लो, कॉर्डिसेप्स कह लो, BCM कह लो, कोई भी प्रोडक्ट। सो ऐसा प्रोडक्ट है कि मैंने बीइंग अ डॉक्टर सच पता, मतलब मेरे पास कोई फ्लॉज नहीं है उसको कमेंट करने के लिए। मुझे भी लगता है कि आई इवन मेडिकली भी देखो ना, तो मेरे पास हजारों चीज है। अगर अपनी पर्सनल कन्विक्शन से भी देखो तो भी हजारों चीज है, अपने फैमिली को यूज कराया तो भी हजारों चीज है, खुद यूज किया तो भी है, और आगे जिनको बताएंगे उनके लिए भी हजारों चीज है। सो प्रोडक्ट तो शानदार है जो सर बोलते हैं हमेशा। दूसरा होता है प्राइस। प्राइसिंग तो क्या ही है, जब हम इतना अच्छा चीज दे रहे हैं, और जब मैंने काफी सारे डेमो करे और मैंने पूछा अच्छा आप गेस करिए कि प्लास्टिक फ्री है, ये पेटेंटेड चिप है, और हम मतलब ऐसा बायोडिग्रेडेबल दे रहे हैं, और एक नैपकिन में जेल इतना है, ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 नैपकिन विस्पर के भी इतना जेल नहीं होगा, तो वॉट इज द प्राइस। सो बेसिकली लोग इतना घबरा जाते हैं पूछते ही, तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस तो बड़ा लंबा चौड़ा बताने वाली है कंचन जी, तो वो पहले ही एक नोशन आ जाता है, फिर बताते मात्र 160 रुपए का या मात्र 170 रुपए का। पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ये घर घर पहुंचे, हर को पहुंचे, तो प्राइस भी ऐसा शानदार है कि एफर्ट नहीं लगता। आपने जो जेल का कंपैरिजन कर दिया ना, वो जबरदस्त कर दिया, जबरदस्त जेल का कंपैरिजन कि भैया इसमें 5 नैपकिन 5 विस्पर के जितना जेल तो इसमें एक ही में डाल रखा है जी सर। और मैंने करके सबको दिखाया, तो मैंने ज्यादा बोला नहीं, मैंने सिर्फ किया कि एक ट्रे में रख दिया विस्पर का जेल, और एक ट्रे में ऑफ कोर्स वो जो सारे हम डेमो करते हैं ग्लास पानी में डालने के बाद, तो वो ऑफ कोर्स स्टार्च है तो वो काफी वॉल्यूम ले लेता है। सो आई जस्ट आस्क्ड देम कि मार्केटिंग का खेल चल रहा है ना यहाँ पे, बिकॉज मार्केटिंग वाले हम भी, तो हम तो उसी तरह से बात करेंगे। सो लोग पहले ही सोच लेते हैं 500-600 का तो एक पैकेट होगा, तो उसमें फिर जब 160 बोलो ना कन्विक्शन आ जाती है। थर्ड आता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या न्यूज़पेपर और क्या बैनर करेंगे जब हम खुद बोल रहे हैं, और कहा गया है वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा प्रमोशन कुछ नहीं होता। जब हम खुद ब्रांड एम्बेसडर है तो प्रमोशन तो 100% तय है। चौथा आता है पीपल। पीपल की बात करें तो सर पीपल हम सब है, और हमें पता हम एक दूसरे से, जैसे अब हम यहाँ कहते हैं ना मेरे अपलाइन मेरे डाउनलाइन, हम यहाँ कहते हैं मुझे डाउनलाइन अभी नहीं है, अपलाइन है, बट मुझे एग्जैक्टली फर्स्ट डे से अभी तक मुझे ये पाले नहीं पड़ा, मुझे बस पता चलता है आईडीनेट सिस्टम एक टीम है। कॉर्पोरेट में भी काम किया था तो पूरा कॉर्पोरेट, जैसे एक कॉर्पोरेट का नाम लिया ल्यूमिनस, अगर आई एम वर्किंग तो पूरा टीम होता है, और डजेंट मैटर कि वो सर्विस डिपार्टमेंट से है कि वो सेल्स डिपार्टमेंट से कि मार्केटिंग से, वैसे आईडीनेट पूरा एक टीम है। तो पीपल तो इतना हम तगड़े है ना, और इतने बड़े है, जैसे इंडिया की आबादी बढ़ती वैसे हम आईडीनेट की आबादी बढ़ा रहे हैं, तो हर दिन जुड़े, जब एक्चुअली आते ना रोज नोटिफिकेशन, हिमाचल टीम से ये जुड़ गया, छत्तीसगढ़ से वो जुड़ गया, तो सच में हम बहुत जल्दी बढ़
रहे हैं वो बहुत प्राउड फीलिंग है. बट फिर देन सर लर्निंग की बात करी तो अभी पैनल में जो टॉपिक था और आपने जैसे इंट्रोडक्शन दिया उससे काफी मिलता जुलता वो चार पीस तो थे जो मेरे दिमाग को बूस्ट करते हैं, कहते हैं कि तू सही बिजनेस में आ गई, ये राइट बिजनेस है, राइट प्लेटफॉर्म है, बस कन्विक्शन खुद को दे दिया है, कन्वे करना है वो हम कर देंगे आगे जाके. लेकिन सर यहाँ मुझे दो और पी मिला और दो वो पी ये है. पहला है प्यार. प्यार इतना कि सर एक डायरेक्टर अगर ऐसे इंट्रोडक्शन दे देना तो आपके पैर एक्चुअली जमीन पे नहीं रहते. और ये मैंने अच्छे से अच्छे कॉर्पोरेट अच्छे से मैंने काफी कंट्री ऑफिस के काम से भी ऑस्ट्रेलिया से लेके बहुत सारे कंट्री गए. आई हैव नॉट सीन दिस स्टेटमेंट सर. आई सल्यूट यू फॉर दिस स्टेटमेंट. एंड पता नहीं कौन कहाँ तक जाएगा, कौन कितनी जल्दी कहाँ तक पहुंचेगा, बट ये आप मतलब सर ये एक सीखने वाली मिसाल वाली बात है. एंड नो मैटर हम लाइफ में कहाँ रहे और कहाँ पहुंचे, बट ये लर्निंग तो सर ठान लिया हमने कि सबको इज्जत देना तभी आपकी इज्जत बनती है. और आपसे सर अच्छा कोई नहीं समझाता सर ये सर. और प्यार के बाद जो मैंने दूसरा पी बोला जो मुझे ड्राइव करता है, प्रशंसा. सर आईडी डेट में आके मेरी हिंदी काफी अच्छी होती जा रही है तो मैंने काफी मैंने शायद मेरे अपलाइन भी अभी हंस रहे होंगे और तारीफ भी कर रहे होंगे कि मेरी हिंदी बहुत बुरी थी, बट हाँ यहाँ सुनते सुनते कन्विक्शन आ रही है. सो प्रशंसा सर इतनी तारीफ. वनीता जी जब कहती है ना कि इतना तारीफ हम अगर आईडी नेट नहीं आते ना तो एवरीवन हैव देयर व्हाई. कल अनीता जी ने कहा पैसे के लिए मैं नहीं आई, पैसे तो मैं ऐसे भी 2-3 लाख कमाती हूँ. सो अनीता जी आई टोटली इको दिस थिंग. पैसे तो हम बहुत सारे बिजनेस से बनाएंगे बट पैसों के साथ जो सारी चीज आ रहे हैं ना इतना कुछ तो एक जगह नहीं मिलता है. सच मानो तो ये सपना ही दिखता है. छूना मतलब खुद को एक पिंच करके देखना तो बनता है सर. सो आज मेरे पास वो 4 पीस प्लस 2 पी और आ गए एंड आई टोटली echo that thought on behalf of everyone. और क्योंकि टॉपिक थी टीम वर्क, सो टीम वर्क पे सबने बहुत कुछ बोला, धीरेन्द्र जी ने भी बोला है. सो एक कमिटमेंट करना चाहेंगे. आज कौशल जी जो मेरे अपलाइन है उन्होंने एक कमिटमेंट दी है. कौशल जी ने कहा कि सर 5 साल में छत्तीसगढ़ की धरती से भी हम 100 गोल्ड लाइन लाएंगे. yes. कौशल जी बस टीम वर्क की टॉपिक है ना तो आज धीरेन्द्र और मैं बस यही कहते हैं अभी हमने बस जर्नी शुरू करी है बट आपने कमिटमेंट कर दी ना तो ये कमिटमेंट हमारी भी हो गई. अब साथ में करेंगे हिमानी कौशल कंचन धीरेन और बहुत सारे लोग जिन्हें हम जोड़ेंगे. तो ये होना जरूर है सर. बस ये टीम वर्क पे मेरी यही कमिटमेंट रही और इसी के साथ हम अपने मैजिकल गोल्डन वर्ड्स कहना चाहेंगे. बेटर टियांस, बेटर लाइफ. आई लव टियांस. आई लव आईडीनेट सिस्टर. आई एम अ डायमंड. वी ऑल आर डायमंड. वी आर गोइंग गोल्ड लॉयन May 2022. डेफिनेटली देयर इज नो डाउट. इट्स श्योर और बहुत कुछ ऐसा होने वाला है आने वाले 1.5 साल में. यकीन करना, लोगों ने अभी सपने में सोचा नहीं होगा जो मुझे दिखाई दे रहा है. इट्स अ फोर्स. ये जो फोर्स है और जिस फोर्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो इंडिकेट करती है इट्स गोइंग टू हैपन. बेस्ट विशेस टू यू कंचन, डॉक्टर कंचन जी एंड धीरेन्द्र जी. बेस्ट विशेस टू यू. गो गोल्ड लायन सून. जबरदस्त. तो आज हम एक और मिनी वेबिनार कर चुके हैं, BBS कर चुके हैं, समझ गए होंगे टाइम को देखते हुए. डॉक्टर अनीता जी भी कल बहुत अच्छा बोली, सुन रहा था मैं. लेकिन मैं चाहूँगा कि अगले कल आने वाले कल में डॉक्टर साहब हिमानी जी ये हमारे मुख्य वक्ता होंगे जिनको मैं ज़रूर मौका दूंगा. अगर ये टाइम से पहले से ही बैठे होंगे ऑन वीडियो, बिल्कुल आप आइएगा. इवन डॉक्टर हमारी पुष्पा आर्या जी, ये भी अब डॉक्टर से कम नहीं है, है ना. तो ज़बरदस्त, तो बहुत बढ़िया. नीलम मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद. किशन बिरमन जी, अनीता जी एंड खत्री जी कुल्लू से, ज़बरदस्त. हिमाचल में अभी जो भी लोग हैं ना इस टाइम देखिए 11:30 बजने वाले, 11:15, तो हिमाचल में तो लोग 8 बजे सो जाते हैं. शहरों में तो थोड़ा सा फिर भी है कि लोग थोड़े लेट सोते हैं, पहाड़ों में तो राइट तो बहुत जागे रहते हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है. मैं तो बता रहा हूं आपको कि ऐसा लगता है मुझे कि लोग क्यों पागल नहीं होते हैं यार. वाई? अब देखो ना, जो लोग बाबा बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं बाबा? सब घर बार छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं. वाई? और बाबा बनते छोड़े भगवान मिल जाते हैं, लगे हमें बाबा जी ढूंढने में. क्यों? अब उनको हो गया वैराग्य, है ना. तो उन्होंने फिर पाना है कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं पहुंचना है. कितना बड़ा त्याग है, कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, कहीं ना कहीं लगना पड़ता है ना.
धुनम लगनी चाहिए, तब जाके ही कामयाबी मिलती है। ये ऐसा नहीं है कि इतना करूंगा कितना होएगा, इतना करूंगा नहीं, नो काउंटिंग। बाबा वाली कहानी शेखर जी ने कहा ना, तब तक नाचना है जब तक बारिश नहीं होगी। तो त्यांशी में और आईडीनेट सिस्टम में मिलकर नाचना है, और हर कल्चर में, जिस कल्चर में, जिस रीजन में हम होंगे, उस रीजन के कल्चर को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों का अडॉप्ट करना चाहते हैं कल्चर को, वहाँ जो चीज़ें ज़्यादा मानी जाती हैं हम उसको फॉलो करेंगे आने वाले टाइम में। और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जो आने वाले टाइम में जो हमारे सेमिनार होने हैं, पता ही आपको महीने में इतने कहाँ कहाँ सेमिनार होंगे, अभी तो ओकेजनली हो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये होगा कि एक ही महीने में 4 जगह हो रहे हैं, पूरे साल में 50 जगह हो रहे हैं। तो आप सोचो कहाँ कहाँ हम, 50 में से 50 की 50 जगह आप होंगे, वहाँ के लोग, उनका कल्चर, जहाँ जाते हैं वहाँ एक एक दो दो तीन तीन दिन रुकते हैं हम, फिर एक दिन में ये प्रोग्राम होगा जी, अगले दिन ये प्रोग्राम होगा, उससे अगले दिन ये प्रोग्राम होगा। तो आप इस तरह के लिंक करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, एक बॉन्ड बनता है, एक प्यार बनता है, एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बनती है, विजन बनता है, राइट, चमत्कार होता है वहाँ पर। तो बहुत कुछ जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट करते हैं ना, वो आप और हम लोग मिलकर कर सकते हैं, ये चमत्कार है। और वॉलंटियरली आगे रह के, है ना, ये नहीं है कि सर मेरा अपलाइन कुछ खर्चा करेंगे ना तो ही हम जाएंगे। कईयों लीडर होते हैं ना, कईयों कलाकार ऐसे होते हैं, उनको किसी प्रोग्राम में बुलाओ, अब कैसे आएंगे, खर्चा लगेगा, किराया लगेगा, अच्छा जी रहेंगे तो खर्चा लगेगा कहीं, मतलब अब तो ओयो आ गया, स्टैंडर्ड आ गया, सब आ गया, क्या क्या आ गया, अब तो इतना कुछ इस टाइम अगर हम अमीर नहीं हुए ना, अगर हम इस टाइम कामयाब नहीं हुए दुनिया में, मुझे तो नहीं लगता, 20 साल पहले या 30 साल पहले तो ऐसा था नहीं कुछ। इस टाइम सबको कामयाब होने का पूरा चांस है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे वायबल फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी है कामयाब होने की। और त्यांश का जो मार्केटिंग प्लान है, सुपर, 2 लाइनों में काम करो, दबा के काम करो, मोटे पैसे आएंगे, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, जितनी मर्जी खोलो दुकानें, पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान कर लो मुट्ठी, दुनिया में पॉसिबल है। तो आज के प्रोग्राम में आप सभी लोग बने रहे लास्ट तक, पुष्पा जी आपका नंबर भी कल लगेगा, हिमानी गौरी जी बिल्कुल कल, पूजा जी आप भी आई हैं बिल्कुल, आपको भी मौका मिलेगा। और जो लगातार पैनल में ऑन वीडियो होते हैं वो तो हमें मजबूर कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लीडर से हमेशा करता हूँ, आज भी करूँगा, अगर आपका मन बहुत हो ना शेयरिंग करने का, बस हाथ खड़े करते रहो, हाथ खड़े करते रहो, कब तक नहीं बुलाएंगे, कब तक नहीं बुलाएंगे, है ना, बुलाना पड़ेगा बस। तो अपने जज्बा, और पता क्या बोलना है, जो मन में आ जाए बोल दो, एक दिन कुछ बोलोगे, दो दिन कुछ, तीसरे दिन आप अच्छा बोलना शुरू कर दोगे, चौथे दिन और बढ़िया बोलना शुरू करोगे, पांचवे दिन तो बल्ले बल्ले शुरू हो जानी है, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मैं तो भाई अब मैं बन गई, अब स्पीकर हो गया काम शुरू। मेरे को पहली बार धक्का मारा था किसी ने, क्योंकि मैं वैसे ठीक, मैं मतलब 1-to-1 में ठीक बोल लेता था, लेकिन कभी गैदरिंग में बोला नहीं, बात आई तो उन्होंने बोला यार 1-to-1 बढ़िया बोलता है ये, और मैं भीड़ में खड़ा था, पीछे से धक्का लगा, पाल जी को करो आज आगे, मैं तो टांगे हिल रही थी, कांप रही थी टांगे, समझ नहीं आता बोलूं, मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा सब भूल गया मैं। तो पहली बार में भूल जाता आदमी, तो भूलने वाली बात यह है कि आप कूद गए, अच्छा पानी में कूदोगे ना फिर बोलना नहीं पड़ता, फिर हाथ पैर मारता है आदमी पानी में, कभी कूद के देख लेना मेरी बात को, अगर सच साबित करना है, पानी में कूदोगे जब पानी मुंह में जाएगा नाक में जाएगा ना, तो मरता क्या नहीं करता, फिर हाथ पैर मारता है, ठीक है। तो यही करना है स्पीकर बनने के लिए। और जितने भी लोग पैनल में आते हैं, और मैं स्पेशली जैसे 5-star, 6-star, 7-star की कैटेगरी में हम लोग चाहते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को 5-star करें, प्लैटिनम करें, 6-star करें, 7-star करें, तो मेरे लिए भी आसान रहता है, ठीक है ना। और बिल्कुल उस बहाने आपको भी होता है कि नहीं यार अब तो बहुत दिन हो गए 5-star, अब हमको 6 बनना है, अब बहुत दिन हो गए, अब 6 रह गए, अब 7 बनना है, 7 बहुत हो गए, अब 8 बनना है, तो एक स्प्रिट बनी रहती है, राइट। तो और ये नहीं है कि काम नहीं चल रहा है तो भाई, अरे काम ही तब चलेगा जब हम पैनल में आएंगे। काफी सारे लोगों का कही भाई काम डाउन होता है ना, वो पैनल में भी आते नहीं है, बोला यार आएंगे क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे। तो मैं बोलता हूँ पैसे नहीं लगते हैं एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, और एक्साइटमेंट आती है फ्यूचर को देख के। अगर आप करंट को देखोगे कभी कभी आपका जो होगा ना वो भी चला जाएगा, है ना, हौसला और हिम्मत और साथ में एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, अरे कुछ हो तो रहा नहीं,
लेकिन फ्यूचर का सोचोगे ना, आने वाले टाइम में करेंगे ना यार, 135 करोड़ लोगों के बाद ही है ना, चिंता किस बात की है, इन सब ने भी तो ऐसे ही किया था, अपना भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा अपना, है ना। तो ये सोच के रखो, एक्साइटमेंट आ जाती है भाई। ऐसे कुछ मंत्र हमने सीखे समझे और करने लगे हो गया, ऐसा थोड़ी हम, हमारे को फ्लक्चुएशन नहीं हुआ होगा, हम भी कितनी बार नीचे हो गए, लेकिन हमने हर बार बाउंस बैक क्यों किया, अपनी पॉजिटिविटी की वजह से, अपनी मेंटल लेवल की वजह से, अपनी माइंडसेट की वजह से। तो हमने बोला माइंडसेट को खुराक देनी है, बस एक बात समझ आया, पॉजिटिव रहो, आंखों में ऐनक लगा लो पॉजिटिविटी वाला, यूं जिसको भी देखो उसके अंदर क्वालिटी देखो, अच्छाई क्या है, कमियां मत देखो, कमियां देखोगे तो फिर रिलेशन खराब होंगे, दोस्ती खराब होगी, बिजनेस खराब होगा, सब खत्म। लेकिन अगर ऐनक लगा दी पॉजिटिविटी वाली, सामने वाला बोला मैं तो चोर हूँ, मेरे को तो बड़ा अच्छा आदमी बोलता है, ये किसको पसंद करेगा वो, चोर को चोर बोलोगे तो बुरा लगेगा, है चोर लेकिन बुरा लगेगा, सच झूठ होता है, सच बुरा लगता है। आप उसको बोला हाँ चोर होगा, दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए थोड़ी चोर है, नहीं नहीं आप बढ़िया आदमी हो, उल्टा कोशिश करेगा अपने आप को अच्छा आदमी करने की, राइट। तो हमें अप्रिशिएट करना, तारीफ करनी है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, और हमारे अंदर कमियां हैं तो कमियों को दूर भी करना है, ठीक है। और चुपचाप खोपचे में ले जाके बोल सकते हो प्यार से, भाई साहब चार क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक क्वालिटी ये वाली है ना, इसमें थोड़ा सा लगता है, हो सकता मैं गलत भी हूँ, यूं बोल दो। सामने वाला बोला गलत नहीं है, तुम तो ठीक हो, मेरे को चेंज करने की जरूरत है वाकई में। तो किसी को हम करेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो लास्ट में धन्यवाद करूंगा कुछ और चेहरे हैं, गौरव कुमार जी के नाम से। मैडम आपका नाम गौरव कुमार है या नहीं है, आप आती हैं इस नाम से तो जरूर, अगर आप नाम में आगे डाल सकते हो कुछ, फीमेल नाम भी डाल सकते हो, राइट। अगर गौरव कुमारी फीमेल नाम है तो चलेगा, तालियां, ठीक है। नहीं है कहते तो आप जरूर डालो, क्योंकि आप हमेशा पैनल में होते हैं, शानदार आप सुनते हो, जरूर आगे बढ़ेंगे आप, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। कौशल्या जी चौहान साहब, कौशल्या चौहान जी और डॉक्टर ए के पंचाल जी, ये तो हमेशा इन्होंने चरखी लगा रखी है, दिमाग में बर्फ की सिल्ली, मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर, और पाँव में तो छोड़ दीजिए, इन्होंने गाड़ी में चक्कर लगा रखे हैं, डॉक्टर ए के पंचाल ऐसे थोड़ी बन गए। और ये देख रहे ना, बहुत जल्दी ये भी डायरेक्टर वाली पोजिशन में मिलेंगे आपको, क्योंकि इनकी फितरत बता रही है, इनके कारनामे बता रहे हैं, मजबूर है ईश्वर भी, मतलब भाई इसको तो बनाना ही पड़ेगा, ये स्थिति बना रखी है डॉक्टर के पंचाल जी ने, जो प्रैक्टिकल आप देखते भी हर रोज। श्वेता जी, जय किशन जी, दीपक चौहान जी, सीमा विश्वास जी, सीमा शर्मा जी सिरमौर से, भाई हमने तो बचपन सारा सिरमौर में बिताया है, सिरमौर सिर का मौर, सिरमौर, राइट। बस आप चक दो फट्टे उधर भी, रेडमी के नाम से भाई साहब हैं, बिल्कुल आप आए नाम के साथ अगली बारी। रितु शर्मा जी बन जाइए एक स्टार, हमें एक ही बात समझ आ रही है, रितु शर्मा जी एक स्टार बननी चाहिए जल्दी से जल्दी। रीना लाखी जी जाइए एक स्टार। डॉक्टर साहब कल आपके साथ मुलाकात करेंगे, और बहुत जल्दी हम डॉक्टर अनिता जी को भी एक स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, हमें सिर्फ गोल्ड चाहिए, डॉक्टर साहब से कुछ नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब से एक ही चीज चाहिए, गोल्ड मेडल। और मुझे पता है कल की जो है ना, कल अनाउंसमेंट होने वाली है, डॉक्टर साहब कुछ कल कर देना आप अपनी तरफ से, जो भी आपको करना है, इशारा कर दिया मैंने, मैं गोल्ड चाहिए, ये गोल्ड कब दे रहे हो आइडिया दे देना, थोड़ा मैंने बता दिया, 55 55 55 55, चार जगह 55 से कम में ही हो जाएगा काम अपना, राइट। तो गोल्ड बन गए, बल्ले बल्ले। तो बेस्ट विशेज है डॉक्टर साहब के लिए भी, डॉक्टर अनिता जी सुपर, रुचि गाजटा जी जबरदस्त, और आज आपने बाकी लीडर की सुन ली, है ना। नीलम मलिक जी भी नजर आ रही है, हाथ खड़ा है, कोई बात नहीं, ऐसे करते रहो, अपना नंबर आएगा। मोनिका राणा जी करनाल से, वेरी गुड, KNL मतलब करनाल, और आगे अचार लग गया तो पक्का हो गया, ये करनाल ही है, सुपर। तो जबरदस्त, अनीता जी 6 स्टार छाड़ा से, वाओ। खत्री जी बैठे हैं, मानी गौरी जी, है ना, इन सब से बात हो गई। तो आप सभी लीडर जो भी अभी पैनल में ऑन वीडियो हैं, तहे दिल से शुक्रिया, और जो वीडियो में नहीं है आपका भी शुक्रिया, और आज का ये प्रोग्राम लंबा रखने के लिए माफ़ी। और जैसे डिस्क्लेमर होता है ना, सभी लोग अपनी मनमर्जी से बैठे हैं, ठीक है, डिस्क्लेमर इसलिए लगा दिया जाता है कोई तो बाद में ब्लेम ना करे, भाई साहब छोड़ा ही नहीं आपने तो। पर डिस्क्लेमर यह है कि 8 से 10 का टाइम, 8:30 से 10 का टाइम, 1.5 घंटा है तो हमारे पास है, उसके बाद 10 बजे के बाद आपकी मर्जी है, भाई रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ, आपको अपनी स्थिति देखनी है, आपकी क्या है पोजीशन। बट ये है कि 10 बजे तक हम मटेरियल दे देते हैं इतना कि आपका कुछ ज़्यादा चल सकता है, राइट। और बाकी अगर टिके रहो तो कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा मिलता है।
तो एक्स्ट्रा रहेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, हर चीज का एक्स्ट्रा फायदा होता ही है एक्स्ट्रा रहने का। तो वंस अगेन थैंक यू बीइंग विद मी टुडे, एंड वंस अगेन आज का लेसन आईडीनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, टीम वर्क। ये कोई इंडिविजुअल सिस्टम नहीं है, इसमें कोई इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है, है ना, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आईडीनेट करके किसी एक आदमी का कुछ होने वाला है, बट सबका होने वाला है। क्योंकि एक सिस्टम लोग मानते हैं, देखते हैं, जो अच्छे से लोग आएंगे ना आने वाले टाइम में, वो बोलेंगे यार सब कुछ देखा, लेकिन हिंदुस्तान में ट्यांस तो चल रही है, लेकिन ये आईडी नेट का जो मामला है ना कुछ अलग रख रहा है ये। बस जिस दिन आप भीड़ से अलग हो जाते हो ना, आधा काम तो उसी से हो जाता है। इट्स अ ग्रेट 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 थिंग्स इस इतिहास में, इस दुनिया में। ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूँ जो नाना करते भी 10,000-15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं हर साल। सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आईडी नेट सिस्टम है ना, हम तो बच्चा है अभी, बच्चा है जी, लेकिन ऐसे ऐसे सिस्टम है जो जो 10,000 करोड़, 15,000, 20,000 करोड़ रुपया का टर्नओवर करते हैं, अकेले एक सिस्टम करता है, उस सिस्टम के लोग करते हैं। अब जिस सिस्टम में साल में 15,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा होगा, तो 50, 100, 200 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये तो आ ही रहे होंगे ना उधर भी कईयों को। आप समझो बात को, मामला बड़ा संगीन है, सीरियस है, राइट। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDN system. I am a diamond. You are diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. December 2022 से पहले gold line बनिए, अपने शहर का बनिए king, queen, prince, princess, जो भी आप मानते हो अपने आप को बनिए, बनना है। Prince, princess आजकल सब है, जब आम दाम साम हो ना, time freedom, money freedom, तो सब prince है, राजा रानी वही तो है, money freedom, time freedom, है ना, यही wealth है। तो 5 लाख की इनकम मिनिमम आजकल चाहिए ही चाहिए, और 2022 तक इसकी वैल्यू जो है ठीक ठाक ही रहेगी, ऐसा नहीं है ज़्यादा रहने वाली है। अगले 2025 तक मामला जो है ज़्यादा चाहिए, 10 पेटी से ऊपर चाहिए, बता रहा हूँ। इसलिए अभी से लगना है ताकि ये मामला समय के साथ साथ बढ़ता रहे। तो अपने शेयर का गोल्ड लाइन बनिए, और 100 शेयर के जो टारगेट है हमारे वो पक्का है, लिस्टेड हो चुके हैं, ठीक है, और वहाँ के लीडर भी फाइंड आउट किए जा चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भूमि के नहीं, क्या बोलते उसको, अभी उसमें एक्सपोजर में नहीं है, बोलते भाई साहब हमें थोड़ा सा रुको, और थोड़ा सा और कुछ, थोड़ा सा और जलवा दिखाने दो, फिर हमारे नाम को उछालना, ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनको हमने खुद डेवलप करना है, जहां का हमारा सपना है, ये शहर, जहां भी लीडर नहीं है अभी, लेकिन हम ढूंढेंगे, और जब ढूंढेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे, रब तो मिलना पक्का है। तो इसीलिए आप भी अपने शहर के लिए एक बहुत ही मिसाल बन सकते हैं, और पहले गोल्ड अपने शहर के, अपने कस्बे के, अपने गांव के, अपने जगह के, राइट। तो बेस्ट विशेस वंस अगेन, सी यू टुमारो शार्प 8:30। कल जो बताने वाले हैं वो 1 मिनट का वीडियो कैसे बनाना है, 1 मिनट के वीडियो के अंदर क्या क्या मटेरियल डाल सकते हो आप, कैसे कैसे बनाया जा सकता है उस मटेरियल को, वो मैं आपको आइडिया दूंगा, ऐसा ही मैं भी बनाऊंगा, है ना। टारगेट तो मेरा भी यही है, नंबर 1 ही आना चाहिए, बाकी देखो क्या होता है, कंपटीशन है ना, एक से कलाकार है हर अलग अलग फील्ड में, हम सीखेंगे, आप भी सीखें। और कल शाम को मिलते हैं ठीक 8:30 पर, तब तक के लिए इजाजत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।